एवरीवन, अकाउंट्स का रिवीजन चल रहा है सीए फाउंडेशन एंड सेकंड वीडियो। पहले मैंने जो वीडियो डाला उसमें चार चैप्टर्स कवर किए थे, फाइनल अकाउंट्स, एनटीओ, बीआरएस, कंसाइनमेंट। होप आपने देखा और साथ साथ आप प्रैक्टिस करते गए। ऐसे करने से दो दिन में अकाउंट्स का सिलेबस, तीन दिन में अकाउंट का सिलेबस सलट जाएगा एंड एग्जाम से पहले रिविजन भी फटाफट होगा। डन। आज इस लेक्चर में भी 25 मार्क्स ही समझो कवर करूंगा। क्या क्या चैप्टर कवर करूंगा? इन्वेंट्री, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जॉइंट वेंचर, डेप्रिसिएशन एंड अगर लेंथ से एक्सीड नहीं किया तो कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कवर कर दूंगा। डन है क्या? सबसे पहले चैप्टर लेट स्टार्ट इज इन्वेंट्री। डन। छोटा सा चैप्टर, आई एक्सपेक्ट इस टर्म में, फर्स्ट टर्म में 5 मार्क के क्वेश्चन इससे दिए जाएंगे। जो भी बात इस इन्वेंट्री के चैप्टर में हम लोग करेंगे वो आधारित रहेगी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज पर। सबसे पहली बात, इन्वेंट्री किसे कहा जाता है? इन्वेंट्री वो एसेट है जो बिजनेस में कोई भी तीन काम जो मैं बोलूंगा उसमें से एक काम में आए। पहला, बिजनेस हेल्ड करता है फॉर दी पर्पज ऑफ रीसेल इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। हम लोग बिजनेस में बेचने के लिए ये एसेट्स खरीदते हैं, ऐसे एसेट को हम लोग बोलते हैं इन्वेंट्री। इसे हम फिनिश गुड्स या स्टॉक इन ट्रेड के नाम से जानते हैं, फिनिश गुड्स या स्टॉक इन ट्रेड। दूसरा, ऐसे एसेट जो हम प्रोडक्शन प्रोसेस में गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए खरीदते हैं, वो वाले एसेट्स भी हमारे इन्वेंट्री माने जाती है, जिसे हम रॉ मटेरियल या WIP के नाम से जानते हैं। तीसरा, ऐसे एसेट्स जो इसी प्रोडक्शन प्रोसेस में, जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने का प्रोसेस है उसमें कंज्यूम किए जाएंगे, जिन्हें हम इनडायरेक्ट मटेरियल्स, लूज टूल्स, स्पेयर पार्ट्स के नाम से जानते हैं, वो भी हमारा इन्वेंट्री है, जिसे शॉर्ट में, एक वर्ड में बोलूं तो कंज्यूमेबल्स बोला जाता है। तो इन्वेंट्री में टोटल वो चीजें आती है जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के टाइम हम यूज करें, कंज्यूम करें एंड उस प्रोडक्शन से जो फिनिश गुड्स मिलता है जिसे हम बेच के अपना रेवेन्यू लाते हैं, वो भी इन्वेंट्री का पार्ट है। तो टोटल चार चीजें याद रखना, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, कंज्यूमेबल्स। रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, कंज्यूमेबल्स। डन। आगे चले, इन्वेंट्री के वैल्यूएशन के लिए सबसे पहला पॉइंट जो एग्जाम में पूछ सकता है, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन। इन्वेंट्री की वैल्यूएशन के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 ने वैल्यूएशन टेक्निक दी, इन्वेंट्री शैल बी वैल्यूड एट कॉस्ट और NRV, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, विच एवर इज लोअर। इन्वेंट्री शैल बी वैल्यूड एट कॉस्ट और NRV, विच एवर इज लोअर। कॉस्ट और NRV, विच एवर इज लोअर करने का मुख्य कारण है कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म बोलता है अगर आपको लग रहा है कि आपके पास फ्यूचर में कुछ लॉस या लाइबिलिटी अराइज होने वाली है तो उन्हें प्रोवाइड कर दिया जाए। अगर मानो मेरे पास एक इन्वेंट्री है जिसकी कॉस्ट मैंने खरीदी 500 रुपये में, अब मैं देख रहा हूँ कि जब नेक्स्ट ईयर ये इन्वेंट्री बिकेगी, ये इन्वेंट्री सिर्फ 480 फेच कर पाएगी, तो मुझे दिख रहा है इन्वेंट्री बेचकर 20 रुपये का लॉस। सर मैं बेचूंगा नहीं, बेचने से पूरे 500 खत्म हो जाएंगे, बेचना है पर बेचने से 20 रुपये का नुकसान होगा। ये जो लॉस होने वाला है इसको अभी ही रिकॉर्ड कर लेना चाहिए एंड हमें अपनी इन्वेंट्री की वैल्यू 500 की जगह 480 करनी चाहिए। ये सबसे पहली टेक्निक, कॉस्ट और NRV, विच एवर इज लोअर। याद रखिएगा, जब भी आप कॉस्ट और NRV, विच एवर इज लोअर करो, हमेशा आइटम बाई आइटम बेसिस पे करना, ग्लोबल या टोटल बेसिस पे कॉस्ट और NRV, विच एवर इज लोअर करना अलाउड नहीं है। क्लास में बहुत सारे सम किए थे, 5 टाइप की इन्वेंट्री, A, B, C, D, E, ए का कॉस्ट NRV दिया हुआ है, बी का दिया हुआ है, सी का दिया हुआ है, तो हम लोग हमेशा ए का अलग कंपेरिजन, बी का अलग कंपेरिजन एंड उसके बाद जो टोटल आया उसको टोटल करके वैल्यू लिखते थे। तो कभी भी टोटल बेसिस पे कॉस्ट और NRV को नहीं देखना, इंडिविजुअल आइटम बाई आइटम बेसिस चेक करना है। देन आगे, कॉस्ट और NRV का मतलब क्या होता है? सर, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, अगर मैं बात करूं ट्रेडिंग एंटिटी, दो टाइप के बिजनेस, ट्रेडिंग एंटिटी, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी, एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी का सारा प्रोडक्शन कॉस्ट कैलकुलेट करना अलग से आपके सिलेबस में नहीं है। हाउएवर, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्योंकि आपने सीख रखा है तो आपको समझ में आएगा है क्या। अगर मैं ट्रेडिंग एंटिटी की बात करूं, उसके इन्वेंट्री का कॉस्ट होगा परचेज प्राइस, परचेज प्राइस में अगर कोई डिस्काउंट है तो माइनस, अगर कोई टैक्सेस है तो ऐड, प्लस एनी अदर एक्सपेंसेस इनकर्ड टू ब्रिंग द इन्वेंट्री टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। कंसाइनमेंट चैप्टर में भी बताया था, लोकेशन एंड कंडीशन का मतलब जिस लोकेशन से आप उस इन्वेंट्री को सेल करोगे और जिस कंडीशन से आप उस इन्वेंट्री को सेल करोगे, वहां तक लाने के लिए जितना खर्चा है वो इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड किया जाएगा। फ्रेट, कैरेज, ऑक्ट्रॉय, लोडिंग अनलोडिंग, ड्यूटी ड्रॉबैक, ये सारी ड्यूटी, एक्चुअली ड्यूटीज, अगर ड्यूटी ड्रॉबैक होगी तो वो लेस हो जाएगी, इंपोर्ट ड्यूटीज, क्लियरिंग चार्जेस, ये सारे खर्चे हम लोग इन्वेंट्री की कॉस्ट में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो परचेज प्राइस लेस ऑफ डिस्काउंट्स,
टैक्सेस, टैक्सेस में हमेशा याद रखना है नॉन रिफंडेबल माने होने चाहिए, रिफंडेबल यानी जिनका क्रेडिट मिल जाए वो टैक्सेस हम लोग इंक्लूड नहीं करते, प्लस एनी अदर एक्सपेंस इनकर्ड टू ब्रिंग द इन्वेंट्री टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। अगर मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है तो आपके कॉस्ट में आ जाएगा रॉ मटेरियल का खर्चा प्लस कन्वर्जन का खर्चा, कन्वर्जन के खर्चे में दो खर्चे, लेबर का खर्चा, ओवरहेड का खर्चा। तो जो हमने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नॉर्मल बनाया था वैसा ही होता है, हाउएवर वो कॉस्ट कैलकुलेशन आपके सिलेबस से बाहर है, इंस्टीट्यूट ने अपनी मैट में भी बोला है। अब कुछ कुछ चीजें हम लोग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री से हमेशा एक्सक्लूड करेंगे, पांच चीजें याद रखनी है, पांच चीजें। सेल के खर्चे मतलब गुड्स को बेचने के खर्चे कभी भी इन्वेंट्री की कॉस्ट में नहीं आएगा। स्टोरेज का खर्चा, अगर स्टोरेज इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रोडक्शन तो ले लेना, अगर नहीं है तो स्टोरेज का खर्चा नहीं आएगा। तीसरा, जनरल ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ये जो ऑफिस से रिलेटेड खर्चे होते हैं वो प्रोडक्शन के कॉस्ट में या इन्वेंट्री के कॉस्ट में नहीं आएंगे। चौथा, इंटरेस्ट का कॉस्ट, इंटरेस्ट का कॉस्ट इन्वेंट्री के कॉस्ट में नहीं आएगा। और लास्ट नंबर 5, एबनॉर्मल लॉस ऑफ इन्वेंट्री, कभी भी एबनॉर्मल लॉस हम लोग इन्वेंट्री के कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करते, हाँ नॉर्मल लॉस इन्वेंट्री के कॉस्ट में इंक्लूड हो जाता है। तो सेलिंग, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, स्टोरेज, इंटरेस्ट, एबनॉर्मल लॉस, ये पांच खर्चे कभी भी इन्वेंट्री की कॉस्ट में नहीं आएंगे। नेक्स्ट, ये पांच आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, एनआरवी का मतलब, एनआरवी का मतलब उस इन्वेंट्री को बेच के नेट में वो कितना फेच करेगा। NRV निकलता है एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, यानी जितना मैं एस्टिमेट में बेच सकता हूं, लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू मेक द सेल, लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट द प्रोडक्शन। अगर अभी तक प्रोडक्ट पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है तो उसको कंप्लीट करने के लिए जो खर्चा लगेगा वो माइनस कीजिए, और बेचने के लिए जो खर्चा लगेगा वो माइनस कीजिए, आपका नेट रियलाइजेबल वैल्यू आ जाएगा। NRV इज एन एस्टिमेशन, क्योंकि मैं ये देख रहा हूं आज ये रेंट पे इन्वेंट्री मेरे पास है, फ्यूचर में कितने में बिकेगी, तो इट इज ऑलवेज एन एस्टिमेशन। और हम लोग इन्वेंट्री वैल्यू करेंगे कॉस्ट और NRV, विच एवर इज लोअर। डन, नेक्स्ट पॉइंट। अब ये जो इन्वेंट्री की वैल्यूएशन में अपने कॉस्ट बोल देते हैं एकदम सिंपली से, क्वेश्चन में कॉस्ट दिया होता नॉट अ प्रॉब्लम, बट कॉस्ट अगर कैलकुलेट करना हो तो इन्वेंट्री की वैल्यूएशन के लिए आपको दो चीजें कैलकुलेट करनी है, एक इन्वेंट्री का क्वांटिटी कितना बाकी है, दूसरा हर क्वांटिटी का कॉस्ट क्या है। सबसे पहले हम लोग क्वांटिटी का डिटर्मिनेशन सीखते हैं। इन्वेंट्री का क्वांटिटी डिटर्मिनेशन के लिए देयर आर टू इन्वेंट्री रिकॉर्ड सिस्टम, दोनों में से कोई भी एक आप फॉलो कर सकते हो। नॉर्मल बिजनेस जो एफिशिएंट इन्वेंट्री मैनेज करता है वो दोनों फॉलो करता है पैरेलली। अब सुनिएगा, ये जो दो इन्वेंट्री सिस्टम है इसका नाम है पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, पीरियोडिक एंड परपेचुअल। इसका डिफरेंस करके जाइएगा, मेरा गट फीलिंग है एग्जाम में डिफरेंस का क्वेश्चन इससे 4 मार्क तक का पूछा जा सकता है। तो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम एंड पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम होता क्या है, डिफरेंस से समझो सब समझ में आएगा। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम वो सिस्टम है जहां पर हम लोग इन्वेंट्री की क्वांटिटी डिटरमाइन करते हैं थ्रू फिजिकल वेरिफिकेशन। गोडाउन में अपने आदमी को भेजेंगे, उनको बोलेंगे गिन के आ कितना गुड्स है, तो वो जो गिन के फिजिकल वेरिफिकेशन करके आएगा वही मेरे गुड्स की क्वांटिटी है। ऑन दी अदर एंड परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में हम लोग इन्वेंट्री डिटरमाइन करते हैं बाई मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स, बिन कार्ड, स्टोर्स लेजर, ऐसे ऐसे अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो कॉस्ट से रिलेटेड मटेरियल के रिकॉर्ड्स है वो बना के हम लोग रेगुलर बेसिस पे इन्वेंट्री का इनवर्ड आउटवर्ड रिकॉर्ड करके बताते हैं कि इन्वेंट्री का कितना स्टॉक मेरे गोडाउन में पड़ा है। तो पीरियोडिक सिस्टम फिजिकल वेरिफिकेशन, परपेचुअल सिस्टम इन्वेंट्री का रिकॉर्ड सिस्टम है जहां पे बिन कार्ड और स्टोर्स लेजर के थ्रू हम इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करते हैं या इन्वेंट्री की क्वांटिटी डिटरमाइन करते हैं। पीरियोडिक सिस्टम में, पीरियोडिक जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है पहले बोल रहा हूं, पीरियोडिक सिस्टम में क्लोजिंग स्टॉक एक्चुअल में कितना है वो आपको पता चलता है एकदम सटीक, क्योंकि आप फिजिकल वेरिफिकेशन करके आए हो। परपेचुअल सिस्टम में क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट द एक्चुअल पोजीशन, इट इज द बैलेंसिंग फिगर, जितना ओपनिंग स्टॉक मेरे पास था प्लस जितना इनवर्ड आया माइनस जितना मैंने इशू किया, ये नेट करके जो बचा वो मेरा क्लोजिंग स्टॉक मान लिया जाता है। तो क्लोजिंग स्टॉक अंडर परपेचुअल सिस्टम इज अ बैलेंसिंग फिगर, वेयर एज क्लोजिंग स्टॉक अंडर पीरियोडिक सिस्टम इज द एक्चुअल फिगर। ऑन द अदर हैंड, पीरियोडिक सिस्टम है क्योंकि मेरे को क्लोजिंग स्टॉक सामने पता चल गया। अब जो भी मेरे पास टोटल गुड्स आया था, मानो 1000 यूनिट्स, मेरे पास अभी भी गोडाउन में पड़ा है 200 यूनिट्स, तो मैं मान लेता हूं 800 यूनिट्स सेल हो गया, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहां पे बैलेंसिंग फिगर निकल जाता है। बट ऑन दी अदर एंड परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में मेरे को कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एकदम पता रहता है, क्योंकि मैं हर इशू के बाद उसकी रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा हूं कि कितना एक्चुअल में मैंने इशू किया। तो यहां पर पीरियोडिक में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज अ बैलेंसिंग फिगर, परपेचुअल में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज अ एक्चुअल फिगर। नेक्स्ट, अगर कोई गुड्स लॉस हो जाए और पीरियोडिक सिस्टम के थ्रू आप इन्वेंट्री मेंटेन कर रहे हो, तो वो गुड्स लॉस अगर आपको पता नहीं है सारे के सारे गुड्स लॉस COGS में इंक्लूड हो जाएंगे। ऑन दी अदर हैंड, परपेचुअल सिस्टम में अगर कोई गुड्स लॉस हो तो वो सारा का सारा लॉस, क्योंकि आपने बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग स्टॉक को लिया था, वो सारा का सारा आपको लगेगा कि आपके गोडाउन में पड़ा है जबकि वो गुड्स नहीं है। पीरियोडिक सिस्टम
क्योंकि फिजिकल वेरिफिकेशन का काम है तो बिजनेस थोड़े देर तक के लिए इंटरप्ट किया जाता है, बंद किया जाता है। ऑन दी अदर हैंड परपेचुअल सिस्टम में बिजनेस बंद करने की जरूरत नहीं है। पीरियोडिक सिस्टम में खर्चा कम लगता है क्योंकि ये तभी हाँ पूरे साल नहीं करते, कभी कभी जब अपने को लगता है या जब अपने को फाइनलाइज करना पड़ता है अकाउंट सब करते हैं। परपेचुअल सिस्टम रेगुलर बेसिस पे एक आदमी बैठाना है तो उसका खर्चा थोड़ा सा ज्यादा पड़ता है। पीरियोडिक सिस्टम में जब आप इन्वेंट्री डिटरमाइन कर लोगे, ये एक्चुअल क्लोजिंग स्टॉक हो गया। परपेचुअल सिस्टम में इन्वेंट्री डिटरमाइन करोगे एक्चुअल क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, बैलेंसिंग फिगर निकल रहा है। ये सारे जो डिफरेंसेस है ये परपेचुअल और पीरियोडिक के डिफरेंसेस है। फटाफट एक एक करके, यहां पर फिजिकल वेरिफिकेशन, यहां पर बुक रिकॉर्ड्स मेंटेन करके, यहां पर ये इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री डिटरमाइन करता है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रेसिडुअल फिगर है। यहां पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिटरमाइन होता है और क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर है। नेक्स्ट, कोई भी लॉस ऑफ गुड्स होगा तो वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में इंक्लूडेड है क्योंकि वो बैलेंसिंग फिगर है। कोई भी लॉस ऑफ गुड्स होगा तो वो क्लोजिंग इन्वेंट्री में इंक्लूडेड है। यहां पे इन्वेंट्री कंट्रोल पॉसिबल नहीं है क्योंकि कभी कभी होता है, ये बार बार नहीं करते। यहां पे इन्वेंट्री कंट्रोल आराम से एक्सरसाइज किया जाता है क्योंकि रेगुलर बेसिस पे कितना इन्वेंट्री है वो मुझे पता है। ये सिस्टम सिंपल एंड लेस एक्सपेंसिव है, ये थोड़ा सा कॉस्टलियर है। यहां पर क्लोजर ऑफ बिजनेस थोड़ा दिन करना पड़ता है, यहां विदाउट इफेक्टिंग बिजनेस हम लोग अपना इन्वेंट्री डिटरमाइन कर सकते हैं। प्लीज ये चार्ट पक्का देख के जाइएगा, एक बार पॉज करके एक बार सारा चीज देख लो जो मैंने बोला। अगर मैं फटाफट एक बार फिर रिवाइज करवाऊं बिना देखे, पहला फिजिकल वेरिफिकेशन, बुक रिकॉर्ड्स, क्लोजिंग स्टॉक डिटरमाइन हो गया, वहां पे क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर, यहां कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिटरमाइन बैलेंसिंग फिगर, वहां कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिटरमाइन रहता है। कोई भी लॉस होगा तो वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में घुसा हुआ है, कोई भी लॉस होगा तो वो क्लोजिंग स्टॉक में है। लेस एक्सपेंसिव, सिंपलर, मोर एक्सपेंसिव, इन्वेंट्री कंट्रोल नॉट पॉसिबल, इन्वेंट्री कंट्रोल पॉसिबल, और लास्ट यहां पे क्लोजर ऑफ बिजनेस जरूरी है, यहां पे क्लोजर ऑफ बिजनेस जरूरी नहीं है। डन, पक्का देख के जाएंगे। अब उसके बाद क्वांटिटी डिटरमाइन करने के लिए नेक्स्ट थिंग आई नीड टू डिटरमाइन इज द कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री निकालने में प्रॉब्लम क्या है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या है? हम लोग जो बिजनेस में इन्वेंट्री खरीदते हैं वो रेगुलर बेसिस पे, डे टू डे बेसिस पे खरीदते हैं, और ये डे टू डे बेसिस पे जो इन्वेंट्री आती है इसका कॉस्ट भी अलग अलग होता है क्योंकि परचेज प्राइस इन द मार्केट में वैरी, अदर एक्सपेंसेस इन द मार्केट में वैरी, तो इनका कॉस्ट भी अलग अलग होता है। प्लस जब हम बेचते हैं ना, हम लोग कोई सिक्वेंस फॉलो नहीं करते, हम लोग ऐसे ही बेचते हैं विदाउट सीइंग कि कौन सा पहले खरीदा कौन सा बाद में। जैसे जैसे गुड्स हाथ में आता है वैसे बेचते जाते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है, रेगुलर बेसिस पे खरीद रहे हैं, डिफरेंट प्राइस पे खरीद रहे हैं, और जब बेच रहे हैं ये चेक नहीं कर रहे हैं कि कौन सा बिक रहा है और कौन सा बच रहा है। ड्यू टू दिस, जब लास्ट में ईयर एंड पे इन्वेंट्री का क्वांटिटी पता चलने के बाद कॉस्ट उसको असाइन करना पड़ता है, कौन सी इन्वेंट्री कितने कॉस्ट की एक्चुअल में है ये हमें पता नहीं रहता है। इसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 हमें कुछ कॉस्ट फार्मूला देता है। कॉस्ट फार्मूला डिपेंड करता है आपकी इन्वेंट्री का नेचर क्या है। अगर आपकी इन्वेंट्री नॉन इंटरचेंजेबल नेचर की है, नॉन इंटरचेंजेबल मतलब वो एक आइटम दूसरे आइटम से इंटरचेंज नहीं हो सकता, ये बिग इन्वेंट्री, बिग साइज इन्वेंट्री के लिए है जो कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे एयरक्राफ्ट बनवाना, शिप बनवाना, ज्वेलरी डिजाइनिंग, ये सारे जो टाइप के मेरी इन्वेंट्री होती है नॉर्मली नॉन इंटरचेंजेबल नेचर की होती है। हाई वॉल्यूम मतलब बड़ा वॉल्यूम रहता है, हाई कॉस्ट रहता है, एंड इट इज नॉट इंटरचेंजेबल। जब इंटरचेंजेबल इन्वेंट्री नहीं है हम लोग यूज करेंगे स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मतलब मेरे को सिर्फ ये देखना है उस पर्टिकुलर इन्वेंट्री को बनाने में क्या एक्चुअल खर्चा लगा है, वो सारे एक्चुअल खर्चे अगर मैं जोड़ दूं तो मेरा इन्वेंट्री का कॉस्ट आ जाएगा। यहां पे क्योंकि इन्वेंट्री इंटरचेंज नहीं हो रही है, वो जो प्रॉब्लम अराइज हो रहा था कि कौन सा गुड्स कितने में खरीदा वो प्रॉब्लम यहां पे नहीं आएगी। तो यहां हम लोग यूज करेंगे स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। बट अगर इन्वेंट्री ऑर्डिनरीली इंटरचेंजेबल है तो हम लोग स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड यूज नहीं कर सकते, हमें हिस्टोरिकल या नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट फार्मूलाज यूज करने होंगे। हिस्टोरिकल कॉस्ट फार्मूला में चार बेसिक जिससे एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं, फीफो, लिफो, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, फीफो, लिफो, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज। आपको एक बात बता दूं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 सिर्फ फीफो एंड वेटेड एवरेज को सपोर्ट करता है, सिर्फ फीफो एंड वेटेड एवरेज, लिफो एंड सिंपल एवरेज उसकी परव्यू में नहीं है। नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड में बोलूं तो रिटेल सेलिंग प्राइस मेथड, स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड, बेस प्राइस मेथड, ये सारे चीजें नॉन हिस्टोरिकल है। अपने को जो सीखना है मेन हम लोग को सीखना है फीफो, लिफो, सिंपल, वेटेड, और एक रिटेल सेलिंग प्राइस या एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड सीखने का है। डन, अब एक एक कॉस्ट फॉर्मूला के अंदर चलते हैं। सबसे पहले फीफो एंड लिफो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट,
फटाफट फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो इन्वेंट्री पहले खरीदी गई है वो पहली बेची जाएगी। अगर पहले वाली पहले बेच दोगे तो जो क्लोजिंग स्टॉक में बचेगा, जो क्लोजिंग स्टॉक में बचेगा वो एकदम लेटेस्ट परचेज वाला गुड्स बचेगा, क्योंकि पुरानी वाली तो बिक चुकी है, लेटेस्ट परचेज वाला ही क्लोजिंग स्टॉक में बचेगा। क्योंकि हम लोग पुरानी वाली इन्वेंट्री बेचते हैं रिसेंट में, तो यहां पे करंट कॉस्ट करंट रेवेन्यू से मैच नहीं हो पाता, यहां करंट रेवेन्यू से पास्ट कॉस्ट मैच होता है जो पुरानी इन्वेंट्री खरीदी गई है। रिपीट, फीफो में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। दूसरा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब जो पहले खरीदा गया है टाइम में वो पहले बेचा जाएगा, ये रियल में नहीं हो रही अजम्पशन है, पहले खरीदा गया वो पहले बेचा जाएगा। अगर पहले वाला पहले बेच दिए तो जो इन्वेंट्री मेरे क्लोजिंग स्टॉक में है वो एकदम लेटेस्ट लास्ट में परचेज की हुई इन्वेंट्री है, क्योंकि पुराना वाला बेचते हैं पहले। तो ये मेथड करंट रेवेन्यू को पास्ट कॉस्ट से मैच करता है, करंट रेवेन्यू को करंट कॉस्ट से मैच नहीं कर पाता। ये मेथड फीफो ज़्यादा सुटेबल है जब जब इकोनॉमी में डिफ्लेशन की सिचुएशन हो। अगर डिफ्लेशन की सिचुएशन हो तो जो फीफो है वो आपके इन्वेंट्री को ओवरस्टेट नहीं करेगा, नॉर्मल वैल्यूएशन पे रखेगा एंड कंजर्वेटिज्म फॉलो होगा। ऑन दी अदर एंड लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आया उसको पहले बेचेंगे, यानी जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक होगा वो पुराने गुड्स से बचा हुआ रहेगा, क्योंकि लास्ट वाला तो बेच चुके हैं तो पुराना गुड्स क्लोजिंग स्टॉक में बचेगा। क्योंकि करंट वाला गुड्स पहले बेच देते हैं तो ये मेथड करंट कॉस्ट को करंट रेवेन्यू से मैच करता है, करंट कॉस्ट को करंट रेवेन्यू से मैच करता है। लीफो इज बेटर व्हेन इकोनॉमी में इन्फ्लेशन सिचुएशन है। ये डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन सिर्फ थियोरिटिकल पॉइंट है, फीफो में डिफ्लेशन, लीफो में इन्फ्लेशन। अब फीफो और लीफो को जब भी अप्लाई करो, मैंने आपको क्लास में बताया, आप हमेशा सिर्फ इश्यू डेट के दिन ध्यान दो, और दो कॉलम आराम से दो कॉलम COGS क्लोजिंग स्टॉक बना के चलो, या COGS क्लोजिंग स्टॉक नहीं तो फीफो लीफो में आप क्वेश्चन के अंदर ही इश्यू डेट के दिन ध्यान देके कहां कहां से बिक सकता उसको कट करते जाओ। जो कट हो जाएगा उसका वैल्यू क्लोज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो बचा हुआ रहेगा वो हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। फीफो में एंड वाला क्लोजिंग स्टॉक बचेगा, लीफो में डेट्स चेक करना। लीफो में जरूरी नहीं है शुरू वाले ही क्लोजिंग स्टॉक बचेगा, अगर डेट्स और जिसको इश्यू है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया जाए तो नीचे वाला भी क्लोजिंग स्टॉक में बढ़ सकता है। तो लीफो में ऑलवेज कंसीडर डेट्स वाइल कैलकुलेशन। फीफो में डेट नहीं भी कैलकुलेट करोगे तो लास्ट वाला ही क्लोजिंग स्टॉक हमेशा बचेगा। डन, नेक्स्ट आप इसको पढ़ सकते हो। नेक्स्ट, सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज। सिंपल एवरेज एग्जाम में नॉर्मली पूछता नहीं है। सिंपल एवरेज मेथड में हम लोग क्या करते हैं, सारे इश्यूज को जो मेरा परचेज और ओपनिंग स्टॉक का प्राइसेस है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्राइस, ये सारे ओपनिंग स्टॉक और परचेज प्राइसेस का मैं सिंपल एवरेज लेता हूं। अगर 5 प्राइसेस दिए हैं तो सारे प्राइसेस को जोड़ के डिवाइडेड बाई 5। सिंपल एवरेज निकालने के बाद जितना मेरा गुड्स सेल हो गया यानी इश्यू हो गया उस इश्यू क्वांटिटी से इंटू कर दूंगा सिंपल एवरेज प्राइस, तो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जितना मेरा गुड्स बचा हुआ है यानी टोटल से जितना सेल कर दिया माइनस कर दो जितना बचा हुआ है उससे अगर मैं सिंपल एवरेज प्राइस इंटू कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। ये वाला मेथड नॉर्मली एग्जाम में पूछा नहीं जाता। सिंपल एवरेज प्राइस कैलकुलेट करो ओपनिंग और परचेज प्राइसेस का एंड देन गो फर्दर। वेटेड एवरेज ऑन दी अदर हैंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड और सबसे ज्यादा प्रचलित यही मेथड है। वेटेड एवरेज मेथड बोलता है जब आप इन्वेंट्री की कॉस्ट वैल्यूएशन करो, आप ये सब अज्यूम मत करो फीफो या लीफो, आप वो इन्वेंट्री कहाँ कहाँ से बिक सकती है वो डिटरमाइन करो और उसके वेटेड एवरेज के हिसाब से कॉस्ट का कंप्यूटेशन करो। वेटेड एवरेज में जब आप कॉस्ट कंप्यूटेशन करोगे, कॉस्ट का फॉर्मूला होगा समेशन ऑफ वेट्स इनटू प्राइसेस, जितना मतलब क्वांटिटी इनटू प्राइसेस डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ टोटल क्वांटिटी, समेशन ऑफ क्वांटिटी इनटू प्राइसेस डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ टोटल क्वांटिटी। हम लोगों ने क्लास में सीखा, अपने तीन कॉलम बनाते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्लोजिंग स्टॉक और वेटेड एवरेज प्राइस। जितना गुड्स बिक गया वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जितना बचा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक, और जहां जहां से बिक सकता है उसका वेटेड एवरेज प्राइस करके मल्टीप्लाई करो। हाउएवर फाउंडेशन में अगर क्वेश्चन आया तो आपको सोर्स लेजर बनाना है जिसका भी फॉर्मेट आपको सिखाया हुआ है। एकदम सिंपल, आपको तीन कॉलम मेन रखेंगे, एक ओपनिंग स्टॉक, एक इन्वर्ट जो आया है मतलब हम लोगों ने परचेज किया है, तीसरा इश्यूज, लास्ट क्लोजिंग स्टॉक। हर में डेट क्वांटिटी अमाउंट देते, या डेट नहीं देने से डेट का एक अलग कॉलम बना लो, जितना क्वांटिटी अमाउंट है उसके फिगर्स लिखते जाओ एंड देन फाइंड दी क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है क्या? तो आपको एक बार स्टोर्स लेजर का फॉर्मेट देख लेना चाहिए। ये था वेटेड एवरेज। अब AS2 FIFO और वेटेड एवरेज को प्रेस्क्राइब करता है, सिंपल एवरेज और लीफो AS2 के काम के नहीं है। अब
लास्ट मेथड जो मेरे को डिस्कस करना है प्रैक्टिकल में वो है रिटेल मेथड या एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। रिटेल या एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड रिटेल इंडस्ट्री के लिए बनाया गया है। रिटेल इंडस्ट्री, अगर मैं बोलूँ किराना शॉप या जो छोटे छोटे आइटम से लेके बड़े बड़े आइटम वाले रिटेल शॉप्स होते हैं, वो सारे बिजनेस में प्रॉब्लम क्या होती है, बहुत सारी आइटम्स टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री और उनका छोटा छोटा क्वांटिटी है और डिफरेंट प्राइसेस तो है ही है, तो इतना का फिजिकल वेरिफिकेशन करना या परपेचुअल सिस्टम मेंटेन करना पॉसिबल नहीं होता है। तो ICI ने कहा इन टाइप की इंडस्ट्री को जब अपना क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन करना है, दे कैन डू दिस वैल्यूएशन ऑन एस्टीमेशन बेसिस। एस्टीमेशन बेसिस पे वैल्यूएशन कैसे होगी, जितना भी गुड्स या इन्वेंट्री आपके पास है एट द ईयर एंड, उस इन्वेंट्री का सेलिंग प्राइस कितना है वो पहले कैलकुलेट कर लो। जो टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आया उससे ग्रॉस प्रॉफिट आप लेस कर दो, उस सेलिंग प्राइस पर सेलिंग प्राइस से ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन लेस कर दो, तो अपने आप आपको कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री पता चल जाएगा। तो इस मेथड में क्लोजिंग स्टॉक के सेलिंग प्राइस से हम लोग क्लोजिंग स्टॉक का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन लेस कर देते हैं तो हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट पता चल जाता है। दिस इज एन एस्टिमेशन मेथड, दिस इज नॉट एन एक्चुअल मेथड। 2-3 सब मैंने आपको क्लास में करवाए थे जहां पर जीपी मार्जिन भी नहीं दिया हुआ था, हम लोग जीपी मार्जिन कैलकुलेट करके कर रहे थे। प्लीज वो 2 सम देख के जाइएगा, गट फीलिंग है वो क्वेश्चन इस टर्म में आएगा। तो प्लीज रिटेल एडजस्टेड सेलिंग प्राइस के जितने क्वेश्चन आपको क्लास में कराए देख के जाइएगा। अब इसके बाद कुछ थ्योरिटिकल पॉइंट्स बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, 4 ऑब्जेक्टिव पहले बोल देता हूं। ट्रू प्रॉफिट्स, ट्रू एसेट पोजीशन डिटरमाइन करना, ट्रू प्रॉफिट डिटरमाइन करना, ट्रू एसेट पोजीशन डिटरमाइन करना, लिक्विडिटी पोजीशन डिटरमाइन करना, और नंबर 4 स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है वैल्यूएशन की, तो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट को फॉलो करना। ट्रू प्रॉफिट, ट्रू एसेट पोजीशन, लिक्विडिटी पोजीशन को डिटरमाइन करना, और नंबर 4 स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है। ये सब देखो नोट्स में, शॉर्ट नोट्स क्वेश्चंस में आ सकते हैं, तो इनको थोड़ा सा एक बार देख के जाइएगा। डन। सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो प्रॉफिट डिटरमिनेशन का है, सुनते जाइएगा। अगर आपका स्टॉक ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड रहेगा तो आपका उसका डायरेक्ट इफेक्ट होगा ग्रॉस प्रॉफिट यानी प्रॉफिट पर, ग्रॉस प्रॉफिट पे इफेक्ट होगा तो नेट प्रॉफिट पे भी इफेक्ट होगा। अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूड, तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ा हुआ रहेगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक अगर बढ़ा हुआ है माय डियर, ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड, इनकम साइड जो हम लोग कॉस्ट से क्लोजिंग स्टॉक हटाए वो बढ़ा हुआ है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा हुआ है, क्रेडिट साइड बढ़ा हुआ है, तो आपका प्रॉफिट बढ़ा हुआ रहेगा। ऑन दी अदर एंड जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा वो कम जाएगा। दूसरा, अगर क्लोजिंग स्टॉक गिरा हुआ रहेगा तो प्रॉफिट भी गिरा हुआ रहेगा, ऑन दी अदर एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बढ़ जाएगा। ओपनिंग स्टॉक से बिल्कुल उल्टा रिलेशन, अगर ओपनिंग स्टॉक बढ़ा हुआ है, ओपनिंग स्टॉक इज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बढ़ा हुआ है तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा। ओपनिंग स्टॉक गिरा हुआ है तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड गिरा हुआ है, मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट, जो बोल रहा हूं सुनिएगा, क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट में डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन। ओपनिंग स्टॉक और प्रॉफिट में इनडायरेक्ट रिलेशन है। डन। ये वाला पार्ट प्लीज आप देख के जाइएगा, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डन। आगे चलते हैं, लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, कुछ इंपॉर्टेंट छोटे छोटे फॉर्मूले जो याद रखने हैं हमेशा। सबसे पहला फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कितना गुड्स बिक गया उसका कॉस्ट, ओपनिंग स्टॉक का कॉस्ट प्लस परचेस प्राइस जो परचेस का कॉस्ट है, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। दूसरा, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, अवेलेबल फॉर सेल का मतलब कितना गुड्स मेरे पास बेचने के लिए था, कितना गुड्स मेरे पास बेचने के लिए था, मतलब मेरा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। यहाँ पे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को नेट नहीं करते क्योंकि टोटल गुड्स मेरे पास इतना था, इससे जितना बेच दिया यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर मैं माइनस कर दूँ तो मेरे को मिल जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक को अगर निकालना है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विल गिव यू क्लोजिंग स्टॉक। तो ये सबसे पहले आपको 2 फॉर्मूले याद रखने हैं। तीसरा, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट इज सेल्स माइनस जितना कॉस्ट का गुड्स बेचा, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जब भी सेल्स या परचेजेस इस फॉर्मूले मिले ऑलवेज यूज नेट, ऑलवेज यूज नेट। नेट नेट सेल्स मतलब परचेज माइनस परचेज रिटर्न, नेट सेल्स मतलब सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, नेट परचेज मतलब परचेज माइनस परचेज रिटर्न। हाँ, उसको छोड़ के अगर गुड्स के कोई अदर यूज हुए हैं जैसे ड्रॉइंग्स, चैरिटी, फ्री एडवर्टीजमेंट या एबनॉर्मल लॉस, ये सारी चीज़ें भी हम लोग नेट कर देते हैं वाइल कंप्यूटिंग द ग्रॉस प्रॉफिट। ये हो गया पूरा का पूरा आपका इन्वेंट्री चैप्टर। जीपी मार्जिन का कैलकुलेशन मैंने आपको सिखाया था, रिपीट करवा रहा हूँ।
आप जीपी मार्जिन का जब भी परसेंटेज दिया हुआ है और आपको कॉस्ट या सेल्स कैलकुलेट करने बोल रहा है, ऑलवेज चेक ये परसेंटेज किस चीज का है और जो आपको वैल्यू दी हुई है वो किस चीज की है। अगर दोनों सेम है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई, दोनों सेम नहीं है तो यूनिट को कन्वर्ट करना होगा, परसेंटेज को कन्वर्ट करना होगा। जीपी ऑन कॉस्ट दिया है, जीपी ऑन एक्सक्यूज मी, जीपी ऑन कॉस्ट दिया है, जीपी ऑन सेल्स चाहिए। अगर कॉस्ट से सेल्स पे जाना है तो प्रॉफिट ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर ऐड कर देंगे। अगर जीपी ऑन कॉस्ट से सेल्स में जाना है तो प्रॉफिट ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर ऐड कर देंगे। अगर सेल से कॉस्ट में आना है, सेल से कॉस्ट में आते हैं तो प्रॉफिट माइनस करते हैं, तो डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर माइनस कर दीजिएगा। तो कॉस्ट टू सेल्स ऐड, सेल्स टू कॉस्ट लेस। दिस इज ऑल अबाउट इन्वेंट्री चैप्टर। फटाफट रिविजन कंप्लीट करो और एक क्वेश्चन फीफो लीफो, एक क्वेश्चन वेटेड एवरेज, एक क्वेश्चन रिटेल सेलिंग प्राइस और एक क्वेश्चन वैल्यूएशन टेक्निक। ये चार क्वेश्चन फटाफट रिवाइज करके अपने दिमाग में चैप्टर को बसा लो। डन। नेक्स्ट चैप्टर जो मैं लेने वाला हूँ, नेक्स्ट चैप्टर दैट विल बी थोड़ा सा ईजी चैप्टर ताकि आपका थोड़ा सा मूड बना रहे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। चलिए आफ्टर इन्वेंट्री लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। 5 to 6 मार्क्स का चैप्टर इस बार एग्जाम में पूछा जाएगा एंड अ वेरी 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 इजी चैप्टर, बट नंबर ऑफ टॉपिक्स टू कवर बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा फास्ट रहेंगे हम लोग। सबसे पहले बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक इंस्ट्रूमेंट है, रिटर्न इंस्ट्रूमेंट, जो एक क्रेडिटर जिसे पैसे पाने हैं वो डेटर पे ड्रॉ करता है, वो डेटर पे ड्रॉ करता है और उसमें ऑर्डर करता है कि डेटर तुम मुझे एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बाद मेरे पैसे मुझे लौटा देना। ऐसा इंस्ट्रूमेंट कहलाता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के फीचर्स, इट इज़ एन अनकंडीशनल ऑर्डर, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं होती और एक ऑर्डर है कि आपको पेमेंट करना है। एक क्रेडिटर यानी ड्रॉवर ड्रॉ करता है ड्रॉई यानी डेटर पर, ड्रॉई इस बिल को एक्सेप्ट करता है एंड वापस ड्रॉअर को भेज देता है। ऑन दी ड्यू डेट या मैच्योरिटी डेट ड्रॉई इसका पेमेंट करता है ड्रॉअर को। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज के साथ साथ एक वर्ड प्रॉमिसरी नोट है, दोनों वर्ड इंटरचेंजेबली यूज होते हैं बट कुछ कुछ डिफरेंसेस है वो आपको समझने चाहिए। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक ऑर्डर है जहां पर क्रेडिटर डेटर को ऑर्डर करता है कि तुम मुझे पेमेंट करोगे। प्रॉमिसरी नोट ऑन दी अदर एंड एक प्रॉमिस है जहां डेटर जिसे पैसे देने हैं वो प्रॉमिस करता है कि मैं आपको टाइम पर रुपए दूंगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्रेडिटर डेटर पे ड्रॉ किया, प्रॉमिसरी नोट पे डेटर क्रेडिटर को दिया। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस की बहुत इंपॉर्टेंट महत्व है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज विदाउट एक्सेप्टेंस कभी भी पार्लेंस में, नॉर्मल लीगल पार्लेंस में नहीं आ सकता, बट प्रॉमिसरी नोट में कभी भी एक्सेप्टेंस की दरकार नहीं होती। बिल्स ऑफ एक्सचेंज बियरर को पेमेंट किया जा सकता है, या तो वही आदमी जिसका नाम लिखा हुआ है या उसके ऑर्डर पर या जो भी बियरर रहेगा उसको पेमेंट किया जा सकता है। प्रॉमिसरी नोट कैन नॉट बी मेड पेबल टू बियरर। ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट में कुछ कुछ छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, चेक्स, ड्राफ्ट ये सब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। हाउएवर अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही बैंक ड्राफ्ट ये सब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। प्रॉमिसरी नोट में बैंक नोट और जो करेंसी नोट्स होते हैं वो इंक्लूड नहीं किए जाते क्योंकि वो बियरर को पेबल होते हैं, तो आरबीआई एक्ट में अमेंडमेंट द्वारा उन दोनों को प्रॉमिसरी नोट की डेफिनेशन से हटा दिया गया था। देन आगे चलते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पार्टीज क्या क्या होती है। चार पार्टीज होती है, ड्रॉवर ड्रॉई होल्डर पे। ड्रॉवर मतलब जिसने बिल ड्रॉ किया यानी जिसे पैसे लेने हैं, क्रेडिटर। ड्रॉई मतलब जिस पर बिल ड्रॉ किया गया, जो पैसे देगा यानी डेटर। होल्डर मतलब ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द बिल, ये बिल जिस जिस के आदमी के पास था वो सब इसके होल्डर माने जाते हैं। और पे मतलब ऑन द मैच्योरिटी डेट, ऑन द मैच्योरिटी डेट ये बिल जिसके पास है यानी जिसको बिल के पैसे मिलेंगे ड्रॉई से। पेई इज द पर्सन हु विल गेट मनी, रिसीव मनी फ्रॉम द ड्रॉई, वो पेई कहलाता है। चार पार्टी, ड्रॉवर ड्रॉई होल्डर पेई। ड्रॉवर बिल ड्रॉ किया, ड्रॉई बिल एक्सेप्ट किया, फाइनली बिल का पेमेंट किसको होगा, जिसके पास ये बिल मैच्योरिटी पे यानी पेई। नेक्स्ट, बिल में सबसे पहला ज्ञान जो आपको सीख लेना चाहिए वो है ड्यू डेट एंड मैच्योरिटी डेट का कैलकुलेशन। ये ड्यू डेट मैच्योरिटी डेट का कैलकुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एवरेज ड्यू डेट में भी ये काम आपको करना है, तो एक जगह सुनो दोनों जगह अप्लाई करो। ड्यू डेट मैच्योरिटी डेट के लिए कुछ पहले वर्ड समझ लो। टेन्योर ऑफ अ बिल, टेन्योर ऑफ अ बिल मतलब जितने पीरियड के लिए बिल ड्रॉ किया गया, जिसे हम क्रेडिट पीरियड भी बोलते हैं। जिस दिन ये टेन्योर एंड करेगा वो कहलाता है ड्यू डेट। ड्यू डेट में अगर आप 3 दिन ऐड करते हो, 3 दिन ग्रेस के ऐड करते हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं मैच्योरिटी डेट। मैच्योरिटी डेट ही वो डेट है जिस दिन फाइनल पेमेंट का लेन देन किया जाएगा। अब फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट बिल तीन टाइप का हो सकता है। बिल आफ्टर डेट, बिल आफ्टर साइट, बिल एट साइट। मैंने आपको क्लास में समझाया था
बिल आफ्टर डेट, लालची गर्लफ्रेंड, यानी जिस दिन डेट ऑफ ड्रॉइंग हुआ, जिस दिन उससे आंखें लड़ी, उसी दिन से ही वो गिफ्ट मांगना चालू कर दे, तो इस बिल का टेन्योर डेट ऑफ ड्रॉइंग से स्टार्ट कर दिया जाता है। बिल आफ्टर साइट, ये स्वाभिमानी गर्लफ्रेंड, यानी जो गिफ्ट सभी मांगती है जब उसने प्रपोजल एक्सेप्ट किया, तो बिल आफ्टर साइट का जो टेन्योर काउंट किया जाता है फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। बिल एट साइट ऐसा बिल जिस पे कोई टेन्योर, कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता, ये जिस दिन प्रेजेंट कर दिया जाए उसी दिन इसका पेमेंट करना होगा, ये है जिद्दी वाली गर्लफ्रेंड, और इसमें कोई भी डेज ऑफ ग्रेस अलाउ नहीं होते। तो बिल आफ्टर डेट, डेट ऑफ ड्रॉइंग्स अकाउंट, बिल आफ्टर साइट, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस अकाउंट, बिल एट साइट, नो फिक्स टेन्योर, नो डेज ऑफ ग्रेस, जिस दिन प्रेजेंट किया उस दिन पेमेंट करो। क्वेश्चन में बिल आफ्टर डेट आफ्टर साइट कब देखते हैं भैया? तभी देखते हैं जब डेट ऑफ ड्रॉइंग और एक्सेप्टेंस अलग अलग दी हुई हो। अगर दोनों एक ही दिन है, अलग अलग नहीं दिया हुआ है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आफ्टर डेट है कि आफ्टर साइट। दूसरा, अगर दो अलग अलग डेट है बट बताया नहीं है कौन सा बिल है, तो ऑलवेज अज्यूम आफ्टर साइट, ऑलवेज अज्यूम आफ्टर साइट। नेक्स्ट, आपको कुछ कंप्यूटेशन के बेसिक रूल याद रखने होंगे। अगर बिल एक स्पेसिफिक डेट पर, यह आपकी बुक का, इंस्टीट्यूट की मैट का है, अगर बिल एक स्पेसिफिक डेट पे पेबल है तो वही ड्यू डेट हो जाएगा, 3 दिन ऐड कर दो मैच्योरिटी डेट। स्पेसिफिक डेट मतलब मैंने बोला 18 जनवरी को बिल का पेमेंट कर देना, तो 18 जनवरी इज ड्यू डेट, 3 दिन ऐड करो मैच्योरिटी डेट। बिल अगर स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डेज के बाद पेबल है, यानी टेन्योर नंबर ऑफ डेज में है, तो आप डेज की नॉर्मल काउंटिंग करो, जिस दिन डेट खत्म हुआ वो ड्यू डेट, और उससे 3 दिन जोड़ा मैच्योरिटी डेट। जब भी डेज काउंट करो ऑलवेज रिमेंबर नॉर्मल काउंटिंग कीजिएगा। मान लो 19 जनवरी 30 दिन, 19 जनवरी के पास 30 दिन का बिल, अगर 19 जनवरी से मैं काउंट करूँ जनवरी में 31 डेज होते हैं, मतलब 12 दिन यहाँ बाकी है, और फरवरी में 18 दिन, तो 18 फरवरी ड्यू डेट, 3 दिन और ऐड किया, यानी 21 फरवरी में क्या हो गया मैच्योरिटी डेट। अगर बिल नंबर ऑफ मंथ्स में पेएबल है तो कुछ नहीं कर रहा है, जो जिस मंथ में ड्रॉ किया उससे नंबर ऑफ मंथ्स नॉर्मली ऐड कर दो। सिर्फ ध्यान रखना जिस कॉरेस्पॉन्डिंग डेट में वो ड्यू डेट पड़ रहा है, जिस कॉरेस्पॉन्डिंग डेट में वो ड्यू डेट पड़ रहा है, अगर उसमें वो डेट नहीं है तो उस मंथ की लास्ट डेट बन जाएगी ड्यू डेट। अगर जिस कॉरेस्पॉन्डिंग मंथ में ड्यू डेट पड़ रहा है उसमें वो डेट नहीं है तो उस मंथ की लास्ट डेट बन जाएगी ड्यू डेट। एग्जाम्पल, 31 जनवरी को बिल ड्रॉ किया गया एक महीने के लिए, 31 जनवरी को बिल ड्रॉ एक महीने के लिए किया गया, तो 31 जनवरी से एक महीना होता है 31 फरवरी, पर फरवरी में तो 31 आता ही नहीं, तो 28 फरवरी या 29 फरवरी, लीप ईयर है तो 29 नहीं तो 28 फरवरी विल बी द ड्यू डेट, 3 दिन ऐड करो, 3 मार्च विल बी द मैच्योरिटी डेट। तो अगर जिस मंथ में वो टेन्योर कंप्लीट हो रहा है उस मंथ में वो कॉरेस्पॉन्डिंग डेट नहीं है तो उस मंथ की लास्ट डेट बन जाएगी मेरी ड्यू डेट, ये हमेशा याद रखना। अगर मैच्योरिटी डेट लिखा हुआ है ड्यू डेट, बट हम लोग पढ़ते हैं मैच्योरिटी डेट, अगर मैच्योरिटी डेट एक पब्लिक हॉलीडे है तो पेमेंट 1 दिन पहले, अगर मैच्योरिटी डेट एक सडन हॉलीडे है तो पेमेंट 1 दिन के बाद, ये सारा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है फॉर ड्यू डेट। आगे चलते हैं, अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज मैंने आपको क्लास में बहुत बहुत डीप में सिखाई है, आपको खाली जर्नल एंट्रीज रिपीट कर रहा हूं, सुनते जाइएगा। सबसे पहले बिल होने के लिए कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन होना जरूरी है। मैं क्रेडिटर की बात करूं तो क्रेडिटर ने गुड सेल किया होगा डेटर को, जर्नल एंट्री डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, डेटर इसकी एंट्री परचेस टू क्रेडिटर्स, उसके बाद बिल ड्रॉ किया क्रेडिटर तो बी आर अकाउंट डेबिट टू डेटर, वो एंट्री करेगा क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बीपी, बी आर टू डेटर, क्रेडिटर टू बीपी। अब ड्यूरिंग द टेन्योर ड्रॉअर के पास 4 ऑप्शन है, होल्ड कर ले डिस्काउंट करा ले एंडोर्स कर दे या बिल फॉर कलेक्शन। होल्ड किया तो कोई एंट्री नहीं चाहिए, डिस्काउंट कराया बैंक से तो बैंक कुछ डिस्काउंटिंग चार्जेस काट के आपको पैसे दे देगा अपफ्रंट, और बैंक खुद मैच्योरिटी के दिन पैसे मांगने जाएगा, तो अगर आपने डिस्काउंट कराया तो जर्नल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। जो डिस्काउंटिंग चार्जेस कैलकुलेट करो, सिंपल इंटरेस्ट जैसे निकालना जानते हो वैसे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना फॉर दी लेफ्ट टेन्योर, और उसके बाद आप काम कर लेना, डन। उसके बाद इंडोर्स करना चाहे किसी क्रेडिटर को तो इंडोर्स कर सकता है, इंडोर्स करने की एंट्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। अगर कोई डिस्काउंट रिसीव हुआ तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड। बिल्स फॉर कलेक्शन अगर बैंक को देना चाहिए, यानी बैंक को बोल दिया कि आप बिल रखो मैच्योरिटी के दिन कलेक्शन करके मेरे बैंक में डाल देना, ये डिस्काउंट से अलग है, आप मैच्योरिटी के दिन कलेक्ट करके मेरे बैंक में डालना, तो यहां पर एंट्री होगी बिल्स फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। ड्रॉअर चाहे कुछ भी करे, ड्रॉई ये सब की कोई एंट्री नहीं करेगा। जिस दिन मैच्योरिटी डेट आई, 2 केस हो सकते हैं, या तो बिल ऑनर हो या डिसऑनर हो। अगर बिल ऑनर हुआ तो सुनना,
अगर मेरे पास बिल है होल्ड टिल मैच्योरिटी है तो मैं एंट्री करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। अगर मेरे पास बिल नहीं है डिस्काउंट करवा लिया तो पैसे बैंक को मिलेंगे, बैंक भी यही एंट्री करता है कैश टू बिल्स रिसीवेबल, बात खत्म। क्रेडिटर को इंडोर्स कर रखा है तो क्रेडिटर को पैसे मिलेंगे, मैं कोई एंट्री नहीं करूंगा। बिल्स फॉर कलेक्शन का पैसा मिला तो मैं एंट्री करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स फॉर कलेक्शन, अगर कोई चार्जेस कटा तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल्स फॉर कलेक्शन। मेरा जो डेटर है वो एक ही एंट्री करेगा, उसने बिल्स पेबल का पेमेंट कर दिया तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर बिल डिसऑनर हो गया, अगर बिल डिसऑनर हो गया तो मैं यानी क्रेडिटर एंट्री करूंगा बिल अगर मेरे पास था, बिल अगर मेरे पास था तो मेरा डेटर फिर से डेटर बन गया, डेटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। जब ड्रॉ किया बी आर टू डेटर, अब उल्टा डेटर टू बिल्स रिसीवेबल। अगर कुछ नोटिंग चार्जेस मैंने पेमेंट किया है तो डेटर अकाउंट डेबिट पूरी अमाउंट से प्लस नोटिंग चार्ज टू बिल्स रिसीवेबल टू कैश टू नोटिंग चार्जेस नहीं टू कैश। अगर बिल बैंक के पास था तो बैंक मुझसे पैसे मांगेगा और मैं अपने डेटर के पास जाऊंगा तो डेटर टू बैंक, डेटर टू बैंक। बैंक ने नोटिंग चार्जेस दिया था तो वो इंक्लूड करके मेरे से काटेगा और मैं भी डेटर से इंक्लूड करके लूंगा। अगर बिल क्रेडिटर के पास था तो क्रेडिटर मेरे से मांगेगा, मैं डेटर से मांगूंगा, मैं एंट्री करूंगा डेटर टू क्रेडिटर, डेटर टू क्रेडिटर। अगर बिल्स फॉर कलेक्शन था तो डेटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स फॉर कलेक्शन, डेटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स फॉर कलेक्शन। यानी डिसऑनर के टाइम मैं डेटर को हमेशा डेबिट करूंगा और उसके क्रेडिट क्या करूंगा डिपेंड करता है, डिपेंड करता है मैंने बिल अपने पास रखा, इंडोर्स किया, बैंक को दिया या बिल्स फॉर कलेक्शन में है। क्रेडिटर मतलब मेरा डेटर एक ही एंट्री करता है, डेटर एंट्री करता है कि मेरा बिल्स मैंने डिसऑनर कर दिया तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट लायबिलिटी खत्म क्योंकि बिल का मैच्योरिटी आ गया, टू क्रेडिटर क्योंकि क्रेडिटर को अभी भी पैसे देने हैं, वो लायबिलिटी वापस ओरिजिनेट हो जाएगी, बिल्स पेबल टू क्रेडिटर। अगर नोटिंग चार्जेस लगे हैं तो ये नोटिंग चार्जेस पेमेंट तो होल्डर ने किया बट बियर कौन करेगा, बियर कौन करेगा, ड्रॉई, तो ड्रॉई एंट्री करेगा बीपी अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, बीपी नोटिंग चार्जेस टू क्रेडिटर यानी ड्रॉवर एंट्री करेगा। ये अकाउंटिंग एंट्री आप दिमाग में रखना, पूरे चैप्टर में ये एंट्री काम आते जाएगी। अब बिल डिस्काउंटिंग के बारे में मैंने आपको समझा दिया, नॉर्मल इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना आप याद रखिएगा। रेन्यूअल एंड रिटायरमेंट ऑफ बिल, रेन्यूअल एंड रिटायरमेंट ऑफ बिल क्या होता है, अगर मेरा डेटर मैच्योरिटी डेट से पहले मेरे पास पेमेंट करने आ गया, मैच्योरिटी डेट 3 महीने बाद थी, वो दूसरे महीने के एंड में आ गया कि सर मैं पेमेंट करना चाहता हूँ, इसे हम कहते हैं रिटायरमेंट ऑफ बिल। बिल मैच्योरिटी डेट से पहले ही रिटायर कर दिया गया यानी पे कर दिया गया। अगर बिल जल्दी से रिटायर कर दिया जाए तो डेटर हमसे रिबेट मांगता है, ये रिबेट जो डेटर मांगता है डेटर के लिए इनकम और हमारे लिए खर्चा। मैं एंट्री करूंगा, मैं ड्रॉवर एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, ड्रॉई एंट्री करेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक टू रिबेट, वो इनकम लिख लेगा रिबेट को, मैं एक्सपेंस लिख लूंगा। रिबेट भैया कैसे कैलकुलेट होगा, जितना दिन पहले पेमेंट किया है, जितना दिन मैच्योरिटी डेट से जितना दिन पहले पेमेंट किया है उतना दिन का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लीजिए। अगर मंथ्स में है तो ट्राई मंथ्स में कैलकुलेट करने का, डेज में है तो ट्राई डेज में कैलकुलेट करने का, नॉट अ प्रॉब्लम, डन। रेन्यूअल क्या होता है सर, अगर मेरा डेटर यानी ड्रॉई मैच्योरिटी डेट के दिन पेमेंट ना कर पाए तो बिल तो डिसऑनर हो गई, बट वो मेरे से रिक्वेस्ट किया कि सर मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, अभी कुछ प्रॉब्लम है दे नहीं पा रहा हूं, तो मैंने उसको बोला चल मैं तेरा बिल रिन्यू कर देता हूं, एक नया बिल तेरे को दे देता हूं फॉर अ फ्रेश पीरियड, तू मेरे को उस बिल के पैसे दे देना। जब हम लोग बिल रिन्यू करेंगे ना फ्री में नहीं करेंगे, हम लोग उसको बोलेंगे कि जितना पीरियड के लिए मैं रिन्यू कर रहा हूं जो नया पीरियड है उसके लिए तेरे को इंटरेस्ट देना होगा, ये इंटरेस्ट मेरे लिए यानी ड्रॉवर के लिए इनकम, ड्रॉई के लिए खर्चा। मैं एंट्री करता हूं, पहले बिल डिसऑनर की एंट्री करूंगा, मैं एंट्री करूंगा डेटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इनकम यही दिखा दो डेटर बढ़ा दो, और जब नया बिल ड्रॉ करूंगा तो बी आर टू डेटर, वो एंट्री करेगा ड्रॉई बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट क्योंकि लायबिलिटी अब मैच्योर हो गया, बिल तो खत्म हो गया, टू क्रेडिटर, और इंटरेस्ट देगा तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट कर लेगा, और जब उसको नया बिल मिलेगा तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, और फिर फाइनली वो मैच्योरिटी के दिन वो नया बिल मेरे को चुका देगा। आपको सीपीटी लेवल पे अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन पूछते हैं बताओ इंटरेस्ट ऑन रिन्यूअल या रिटायरमेंट क्या है, या रिन्यूअल के केस में बोलता है नया बिल का अमाउंट क्या है, आप चेक कर लेना कुछ पेमेंट हुआ है कि नहीं मैच्योरिटी में। इंटरेस्ट कैलकुलेट करते टाइम मान लो 10,000 का बिल था, वो बोल रहा है मैच्योरिटी के दिन 2,000 दे दूंगा, तो आप इंटरेस्ट 10,000 पे नहीं 8,000 पे कैलकुलेट कर लेना, और नया बिल जब ड्रॉ करो अगर इंटरेस्ट कैश में दिया तो इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होगा, इंटरेस्ट नहीं दिया तो इंटरेस्ट इंक्लूड करके नया बिल का अमाउंट कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये है रिन्यूअल एंड रिटायरमेंट। आगे डिसऑनर नोटिंग चार्जेस मैंने आपको बता दिया, नोटिंग चार्जेस पेमेंट करता है होल्डर बट बॉन्ड करता है ड्रॉई। नेक्स्ट
अगर ड्रॉई इंसॉल्वेंसी इंसॉल्वेंट हो जाए, यानी मैच्योरिटी आने से पहले ही ड्रॉई के पास पैसे खत्म, वो इंसॉल्वेंट हो गया, उसके एसेट्स उसकी लायबिलिटी से कम हो गए और वो पेमेंट नहीं कर पाएगा, जिस दिन इंसॉल्वेंट हो जाए उसी दिन आपको डिसऑनर की अकाउंटिंग कर लेनी है, क्योंकि वो आगे पैसे नहीं दे पाएगा। और क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया वो पैसे नहीं दे पाएंगे, कुछ पैसे हमें उससे रिसीव नहीं होगी, वो हमारे लिए क्या है, बैड डेट। मैं जब बिल डिसऑनर की एंट्री करूंगा, मैं एंट्री करूंगा डेटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, और जब पैसे मिलेंगे बैड डेट के साथ मैं एंट्री करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट जितना मिल गया, बैड डेट अकाउंट डेबिट जितना नहीं मिला टू डेटर, और काम खत्म। यही बैड डेट को मैं बैड डेट बोलता हूं और ड्रॉई इसको बोलेगा डेफिशिएंसी। क्या बोलेगा? डेफिशिएंसी। वो जब पेमेंट करेगा एंट्री करेगा क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डेफिशिएंसी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डेफिशिएंसी। तो मेरे लिए बैड डेट जो नहीं मिला उसके लिए वही क्या है, डेफिशिएंसी। आगे चलते हैं, अकोमोडेशन बिल। ऐसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है बट बहुत ईजी टॉपिक है। अकोमोडेशन बिल में क्या होता है, नॉर्मली जो बिल ड्रॉ करने का हमारा रीज़न होता है वो होता है ट्रेड फैसिलिटेशन, कि ट्रेड के कोर्स में पेमेंट रिसीव और पेमेंट करना है तो उसके लिए हम लोग बिल ड्रॉ करते हैं। बट अकोमोडेशन बिल के केस में क्या होता है, ट्रेड फैसिलिटेशन जैसा कोई हमारा काम नहीं है, हम लोग को पार्टीज़ के लिए शॉर्ट टर्म फंड्स अक्वायर करने हैं। शॉर्ट टर्म फंड्स अक्वायर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, साइमल्टेनियसली बिल ड्रॉ करते हैं और उन्हें डिस्काउंट कराते हैं, जो भी पैसा आता है बांट के हम लोग थोड़े दिन के लिए यूज़ करते हैं और उसके बाद बिल का पेमेंट कर देते हैं। दिस मैकेनिज्म इज नोन एज अकोमोडेशन बिल। अकोमोडेशन बिल में आपको क्या याद रखना है, एकदम सिंपल बात, दो पार्टी होगी, एक दूसरे पर बिल ड्रॉ करेगा, जो बिल ड्रॉ किया वो बिल को डिस्काउंट करवा लेगा, डिस्काउंट कराने के बाद ना दोनों आपस में पैसे बांटेंगे। पैसे किस रेशियो में बांटेंगे क्वेश्चन प्रोवाइड करता है, उस रेशियो में आप पैसे बांट दीजिएगा जो भी आपको बैंक से रिसीव हुए। पैसा बांटने के साथ साथ ऑलवेज रिमेंबर, जो डिस्काउंटिंग चार्जेस भी लगे हैं ना वो भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी वो भी बांटेंगे। तो पैसा बांटने के साथ साथ डिस्काउंटिंग चार्जेस को भी बांटा जाएगा बिटवीन द पार्टीज इन द सेम रेशियो इन विच पैसा इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूट। जिस दिन बिल का मैच्योरिटी आएगा, एक पार्टी जो ड्रॉवर है वो ड्रॉई को अपने हिस्से का पैसे भेज देगा और ड्रॉई उस बिल का पेमेंट कर देगा बैंक को। बट क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो वो बिल का पेमेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि ड्रॉवर बोल देगा मेरे पास पैसे नहीं है। अब क्या करेगा, एक दूसरा बिल ड्रॉ किया जाएगा बाय दी अदर पार्टी। वो ड्रॉई जैसे ही वो बिल ड्रॉ करेगा वो बिल पहले डिस्काउंट करा लेगा, डिस्काउंट कराते ही सबसे पहले वो उस बिल के पैसे से पुराने वाले बिल को पेमेंट कर देगा, और पुराने वाले बिल को पेमेंट करने के बाद जो भी पैसे आएंगे वो दोनों अपनी रेशियो में बांट लेंगे। जब भी पैसे बांटेंगे याद रखना डिस्काउंटिंग चार्जेस भी बांटे जाएंगे। अगर लास्ट में पार्टी इंसॉल्वेंट हो जाए, जिसे पेमेंट करना है, ड्रॉई इंसॉल्वेंट हो जाए सेकेंड बिल का, तो अगर वो इंसॉल्वेंट हो गया तो पेमेंट तो एक बार करना पड़ेगा ड्रॉअर को, जो सेकेंड बिल का ड्रॉअर था वो पेमेंट करेगा बैंक को, बट वो उससे पैसे मांगने जाएगा। अगर इंसॉल्वेंट हो गया तो कुछ पैसे मिलेंगे कुछ पैसे नहीं मिलेंगे, जो पैसे मिल गए बैंक अकाउंट डेबिट, जो नहीं मिले बैड डेट या डेफिशिएंसी। जो बिल ड्रॉ किया था उसके लिए बैड डेट, जो बिल एक्सेप्ट किया था उसके लिए डेफिशिएंसी। अब अगर आपको क्वेश्चन में बैड डेट और डेफिशिएंसी का अमाउंट कैलकुलेट करना हो, ऑलवेज रिमेंबर इस टाइप के क्वेश्चन में जो सेकंड बिल होता है ना, सेकंड बिल, उस सेकंड बिल में इंसॉल्वेंट वाले पार्टनर का जितना पोर्शन है, उस सेकंड बिल में इंसॉल्वेंट वाली पार्टी का जो पोर्शन है वो कैलकुलेट कर लो और परसेंटेज मल्टीप्लाई कर दो, कितना बैड डेट है आपको पता चल जाएगा बैड डेट कितना है। सिर्फ सेकंड बिल में प्रॉब्लम है क्योंकि फर्स्ट बिल तो पेमेंट कर दिया गया है, तो हम लोग जब भी बैड डेट एफिशिएंसी का कैलकुलेट करेंगे वी विल ऑलवेज सी दी सेकेंड बिल का अमाउंट, फर्स्ट बिल का पेमेंट हो चुका है, डन। एक बार इस मैंने आपको क्लास में बहुत अच्छे से एक डायग्राम से कराया था, डायग्राम देख के एक बार देख लेना, काम खत्म। अकाउंटिंग एंट्रीज बिल्कुल सेम होगी जो पहले डिस्कस किया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल बुक, लास्ट टॉपिक। बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेएबल बुक की बात करूँ तो ये दोनों सब्सिडियरी बुक है। बिल्स रिसीवेबल बुक में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं जो बिल्स रिसीवेबल हमने डेटर पे ड्रॉ किया है, बिल्स पेएबल बुक में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं जो बिल्स पेएबल हमने एक्सेप्ट किया ऑन बिहाफ ऑफ अवर क्रेडिटर्स। बिल्स रिसीवेबल की जर्नल एंट्री, बिल्स रिसीवेबल टू डेटर, तो बिल्स रिसीवेबल बुक का इंडिविजुअल टोटल डेटर अकाउंट में क्रेडिट होते जाता है, और बिल्स रिसीवेबल का पीरियोडिक टोटल बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। इंडिविजुअल टोटल डेटर में क्रेडिट, पीरियोडिक टोटल बिल्स रिसीवेबल में डेबिट। बिल्स पेबल बुक का एंट्री होता है क्रेडिटर्स टू बिल्स पेबल, तो इंडिविजुअल बिल का अमाउंट क्रेडिटर में डेबिट होते जाएगा, पूरे बुक का अमाउंट बिल्स पेबल में क्रेडिट हो जाएगा। इंडिविजुअल क्रेडिटर के डेबिट साइड, पूरे बुक का अमाउंट बिल्स पेबल के क्रेडिट साइड। अब कुछ कुछ मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिया है जो मैंने क्लास में भी बताए थे, सीपीटी के लिए इंपॉर्टेंट है कि ये सब को हम लोग कौन सी सब्सिडियरी बुक में रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले बिल्स रिसीवेबल ऑनर्ड या बिल्स रिसीवेबल ऑनर्ड, ऑनर्ड मतलब पैसे दे दिए गए, तो कैश बुक, पैसा जहाँ भी इन्वॉल्व हो कैश बुक। अगर डिसऑनर हो जाए तो ये कोई सब्सिडियरी बुक में नहीं आएगा, ना कैश बुक, ना परचेज, ना सेल्स, ना बीआर, ना बीपी, तो ये चला जाएगा जर्नल प्रॉपर। अगर इंडोर्स किया हुआ बिल है, बिल आपने इंडोर्स किया, तो ये भी कहीं नहीं जाएगा, सीधा चला जाएगा जर्नल प्रॉपर।
अगर डिस्काउंट किया हुआ बिल डिसऑनर हो जाए, आपने बैंक से डिस्काउंट कराया फिर डिसऑनर हो गया, तो बैंक तो आपके अकाउंट से पैसे काटेगा। अगर बैंक आपके अकाउंट से पैसे काटेगा तो हम लोग को एंट्री करना पड़ेगा कैशबुक पे। तो बिल सेल ऑनर्ड का एंट्री और डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर का एंट्री कैशबुक में होता है। बिल्स रिसीवेबल जो आप ड्रॉ करते हो वो बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल जो आप एक्सेप्ट करते हो बिल्स पेबल बुक, बाद बाकी एंट्रियां जर्नल प्रॉपर। फॉरेन बिल का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है, आप सिर्फ ये चार पॉइंट रीड कर लेना, इंस्टीट्यूट की मैट में भी है, यहां से भी आप देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। डन, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज खत्म हुआ। अभी आपको कैसे सम्स बनाने हैं, डिस्काउंटिंग चार्जेस कैलकुलेट करने का एक सम, रिन्यूअल रिटायरमेंट का कैलकुलेशन का एक सम, अकोमोडेशन बिल का एक सम, इतने क्वेश्चन आप कर लो और आपको कुछ जरूरत नहीं है। हाउएवर, मैंने क्लास में दो आपसे क्वेश्चन कराए थे जहां चार पॉइंट थे ए बी सी डी, और वो जो एंड ऑल वाला क्वेश्चन था कट्रैक एंड ऑल, आप प्लीज वो क्वेश्चन दोनों देख के जाइएगा, एग्जाम में वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। डन, थैंक यू। चलिए, नेक्स्ट चैप्टर इन द रिवीजन सीरीज वी टेक अप इज डेप्रिसिएशन। 5 से 8 मार्क का सीए फाउंडेशन में आना चाहिए, एंड मेरे को जो लगता है क्या क्या टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं मैं आपको बता दूं। क्वेश्चन टाइप वन मशीनरी अकाउंट यानी फिक्स्ड एसेट अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओ, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है बेसिक। मशीनरी परचेज की, डेप्रिसिएशन किया, सेल किया, इसका पूरा एक अकाउंट बना के दो। नंबर टू, जो चेंज इन फैक्टर्स है अफेक्टिंग डेप्रिसिएशन, जैसे रेट का चेंज होना, यूजफुल लाइफ का चेंज होना, ये सारा जब फैक्टर चेंज होता है, ये एस्टिमेट जब चेंज किए जाते हैं तो क्या इफेक्ट होता है डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन में, वो कैलकुलेशन आपसे पूछा जा सकता है। दो में से एक टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आएगा। डन, अब स्टार्ट करते हैं फटाफट ये चैप्टर, एक एक करके बात करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन इज द सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ ए डेप्रिशिएबल एसेट। डेप्रिशिएबल एसेट को हम लोग इंटरचेंजेबली फिक्स्ड एसेट भी बोलते हैं। कॉस्ट ऑफ अ फिक्स्ड एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, फिक्स्ड एसेट की यूजफुल लाइफ के ऊपर उसका जो टोटल कॉस्ट लगा हुआ है उसको अलोकेट करना ऑन द बेसिस ऑफ इट्स यूज या इकोनॉमिक बेनिफिट्स, उसको हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन। बच्चे डेप्रिसिएशन का और एक मतलब जानते हैं, एक्सक्यूज मी, डेप्रिसिएशन इज द डिम्यूनिशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट की वैल्यू में गिरावट ड्यू टू यूज, वियर एंड टियर, ऑब्सोलिसिन, एक्सीडेंट, पैसेज ऑफ टाइम एक्सेट्रा, ये भी डेप्रिसिएशन का एक डेफिनेशन। हाउएवर, इट इज इंग्लिश डिक्शनरी डेफिनेशन, एंड ये जो यूज, वियर एंड टियर, ऑब्सोलिसिन, पैसेज ऑफ टाइम, डिप्लीशन, ये सारे डेप्रिसिएशन के रीजन्स होते हैं। तो डेप्रिसिएशन का सिंपल मतलब आप याद रखो, एक फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट को ओवर द यूजफुल लाइफ अलोकेट करना इज नोन एज डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने का ऑब्जेक्टिव क्या है? चार ऑब्जेक्टिव। पहला ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिट डिटरमाइन करना। ट्रू प्रॉफिट डिटरमाइन करने के लिए डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है, बिकॉज डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस। अगर आप डेप्रिसिएशन सही से प्रोवाइड नहीं करोगे तो ट्रू प्रॉफिट असर्टेन करना पॉसिबल नहीं। दूसरा, डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया जाता है टू असर्टेन ट्रू एसेट पोजिशन, क्योंकि फिक्स्ड एसेट हमारी बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाए जाते हैं। अगर हम डेप्रिसिएशन सही से चार्ज नहीं करेंगे तो फिक्स्ड एसेट हमेशा ओवर वैल्यूड दिखाएंगे, तो दैट इज द सेकंड रीजन। तीसरा, टुगेदर फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। गैदर फंड्स का मतलब होता है क्योंकि हमारा बिजनेस गोइंग कंसर्न बेसिस पे सालों साल चलेगा, हमें बिजनेस में एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ ईयर्स के बाद फिक्स्ड एसेट्स को रिप्लेस करना पड़ता है सो दैट बिजनेस कैन रन स्मूथली। ये फिक्स्ड एसेट को रिप्लेस करने के लिए वी नीड फंड्स, तो डेप्रिसिएशन सेट असाइड करने से हमारे पास हर साल कुछ कैश फंड्स बचते हैं जिससे हम फिक्स्ड एसेट्स को रिप्लेस कर सकते हैं एट द एंड ऑफ देयर यूजफुल लाइफ। नंबर फोर, स्टैट्यूटरी कंप्लायंस, कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, ये लोगों ने बोल के रखा है कि डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना इज मैंडेटरी, सो डेप्रिसिएशन चार्ज करना ही पड़ेगा। तो चार, टू असर्टेन ट्रू प्रॉफिट्स, टू असर्टेन ट्रू एसेट पोजीशन, नंबर थ्री टुगेदर फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट, एंड नंबर फोर स्टैट्यूटरी कंप्लायंस। आगे चलते हैं, डेप्रिसिएशन कंप्यूट करने के लिए कुछ फैक्टर्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला, कॉस्ट ऑफ अ फिक्स्ड एसेट। कॉस्ट ऑफ अ फिक्स्ड एसेट क्या होता है? फिक्स्ड एसेट पे जितना खर्चा आपने लगाया है उसे अक्वायर करने में, कंस्ट्रक्ट करने में, वो फिक्स्ड एसेट के कॉस्ट का पार्ट होता है। इसमें तीन मेन चीज आते हैं, परचेज प्राइस, अगर कोई डिस्काउंट या रिबेट मिला है तो वो लेस हो जाएगा। नंबर टू, टैक्सेस तभी आएंगे बच्चे जब वो नॉन रिफंडेबल या नॉन रिकवरेबल नेचर के हो। तीसरे,
एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू ब्रिंग द फिक्स एसेट टू इट्स इंटेंडेड यूज, उस फिक्स एसेट को जिस इंटेंशन से मैनेजमेंट खरीद रहा है उस यूज तक लाने के लिए जितना खर्चा लगेगा वो फिक्स एसेट की कॉस्ट का पार्ट है। इसमें आपको फ्रेट, फ्रेट फिक्स एसेट को लाने का फ्रेट, ट्रांजिट इंश्योरेंस, लोडिंग अनलोडिंग के खर्चे, फिर इंजीनियर का खर्चा, कंसल्टेंसी फीस, साइट प्रिपरेशन फीस, इंस्टॉलेशन का खर्चा, अगर वेजेस दिया है कुछ वर्कर्स को इंस्टॉलेशन के टाइम तो उसका खर्चा, फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड ट्रायल रन करवाया तो उसका खर्चा, ये सारे खर्चे फिक्स एसेट की कॉस्ट में ऐड किए जाएंगे। हाउएवर एक बार इंस्टॉलेशन हो गया, एक बार ट्रायल रन कंप्लीट हो गया, फिक्स्ड एसेट नॉर्मल यूज में आ गया, उसके बाद जो खर्चे हुए जैसे रिपेयर मेंटेनेंस, रिपेयर मेंटेनेंस, एएमसी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, फिक्स एसेट की इंश्योरेंस का खर्चा, ये सारे खर्चे फिक्स एसेट के कॉस्ट में इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। नंबर टू, यूजफुल लाइफ। एक फिक्स एसेट का यूजफुल लाइफ क्या होता है? फिक्स एसेट का यूजफुल लाइफ होता है जितना नंबर ऑफ ईयर्स या जितना नंबर ऑफ आवर्स या जितना नंबर ऑफ यूनिट्स एक बिजनेस एक्सपेक्ट करता है कि वो फिक्स एसेट प्रोड्यूस करेगा, दैट इज द यूजफुल लाइफ ऑफ अ फिक्स एसेट। तो नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ यूनिट्स या नंबर ऑफ आवर्स अ फिक्स एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी यूज इज नोन एज इज यूजफुल लाइफ। मैं एक वर्ड बोल रहा था डेप्रिशिएबल एसेट। डेप्रिशिएबल एसेट और नॉर्मल फिक्स एसेट में फर्क क्या है? डेप्रिशिएबल एसेट्स आर दोज फिक्स एसेट जिनकी यूजफुल लाइफ फाइनाइट या लिमिटेड हो। अगर कोई ऐसा फिक्स एसेट है जिसकी यूजफुल लाइफ इनफाइनाइट या अनलिमिटेड है उनको हम लोग डेप्रिशिएट नहीं कर सकते। जैसे लैंड इज अ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट, देयरफॉर नो डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन लैंड। नंबर थ्री, स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू मतलब वो वैल्यू जो एक फिक्स्ड एसेट एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ फेच करेगा फ्रॉम सेल, उसको हम लोग बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। तो एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ हम लोग जितना एक्सपेक्ट करते हैं कि एक फिक्स्ड एसेट को बेच के पैसे मिल जाएंगे उसको हम लोग बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू या रेसिडुअल वैल्यू। जब हम कॉस्ट से ये स्क्रैप वैल्यू या रेसिडुअल वैल्यू माइनस करते थे उस अमाउंट को हम लोग बोलते हैं डेप्रिशिएबल अमाउंट। और अगर आप कोई भी डेप्रिसिएशन मेथड का फॉर्मूला देखो तो हम लोग ना कॉस्ट को डेप्रिशिएट नहीं करते, हम लोग डेप्रिशिएबल अमाउंट को डेप्रिशिएट करते हैं, यानी कॉस्ट से स्क्रैप वैल्यू लेस करने के बाद डेप्रिसिएशन चालू होता है। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा टेक्निकली बात करूं तो डेप्रिशिएबल अमाउंट इज द टोटल डेप्रिसिएशन दैट विल बी चार्ज ऑन अ फिक्स्ड एसेट। कॉस्ट स्क्रैप वैल्यू को छोड़ के पूरा पोर्शन हम लोग डेप्रिशिएट कर देते हैं और एकदम यूजफुल लाइफ के एंड पे जो वैल्यू फिक्स एसेट की बचती है उसी को बोला जाता है स्क्रैप वैल्यू। तो जो डेप्रिशिएबल अमाउंट फिक्स एसेट का होगा उसी को हम ओवर द यूजफुल लाइफ डेप्रिशिएट करेंगे। लास्ट फैक्टर, बुक वैल्यू। बुक वैल्यू ऑफ अ फिक्स एसेट का मतलब जितनी वैल्यू उसकी बैलेंस शीट या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिख रही है। हम लोग फिक्स एसेट को हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट के हिसाब से कॉस्टलेस डेप्रिसिएशन पर दिखाते हैं। जिस दिन खरीदा एसेट की बुक वैल्यू होगी उसकी कॉस्ट, फर्स्ट ईयर के एंड में एसेट की बुक वैल्यू होगी कॉस्ट लेस फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन, उसके बाद एसेट की हमेशा बुक वैल्यू होगी जो ओपनिंग WDVF उस साल के पहले जो WDV थी उससे लेस डेप्रिसिएशन कर दोगे उस साल का तो निकल जाएगा आपका बुक वैल्यू। एक तरीका और है, मान लो आपसे पूछता है बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर बताओ। बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर मतलब कॉस्ट एकदम ओरिजिनल कॉस्ट से अगर 5 साल का डेप्रिसिएशन लगातार माइनस कर दोगे टोटल डेप्रिसिएशन तो आपका बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स आ भी जाएगा। ये नॉर्मली जो हम लोग अकाउंटिंग पढ़ते हैं एक नॉर्मल मेथड, एक प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन मेथड, ये उसी का डिस्टिंक्शन है। एक में हर साल का डेप्रिसिएशन अलग से लेस होता है, एक में पूरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक साथ लेस होता है। हमेशा याद रखिएगा डेप्रिसिएशन चालू तब से किया जाता है जिस दिन एसेट पुट टू यूज हो जाए। एसेट यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है फर्क नहीं पड़ता, बट अगर एसेट पुट टू यूज कर दिया गया है तो डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करना पड़ेगा। ये बेसिक डेप्रिसिएशन का बात। अब हम लोग ना डेप्रिसिएशन कंप्यूटेशन के मेथड्स में चलते हैं। सबसे पहला मेथड, सबसे ईजी मेथड, SLM मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। इसका दूसरा नाम फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी है। स्ट्रेट लाइन मेथड बोलता है कि एक एसेट जो यूज हो रहा है टू थ्रू आउट इट्स यूजफुल लाइफ उसका यूज या इकोनॉमिक बेनिफिट्स कांस्टेंट है तो उसका डेप्रिसिएशन भी कांस्टेंट होना चाहिए। तो जिन एसेट का इकोनॉमिक यूज या इकोनॉमिक बेनिफिट थ्रू आउट देयर यूजफुल लाइफ सेम या कांस्टेंट रहता है और उन पर आप सेम डेप्रिसिएशन अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहते हो, ऐसे एसेट पर हम जो मेथड यूज करेंगे वो होगा SLM या स्ट्रेट लाइन मेथड। SLM मेथड में डेप्रिसिएशन का अमाउंट विल रिमेन कांस्टेंट या सेम एवरी ईयर थ्रू आउट द यूजफुल लाइफ। यहां पे डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला होता है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ यानी डेप्रिशिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल लाइफ। जितना टोटल आपका अमाउंट आएगा वो हर साल डेप्रिशिएट कर दो, पूरा एसेट डेप्रिशिएट हो जाएगा। अगर आपको कभी पूछा डेप्रिसिएशन की रेट बताओ, डेप्रिसिएशन की रेट होती है डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है पर एनम, एनुअल डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय कॉस्ट इनटू 100, एनुअल डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय कॉस्ट इनटू 100। तो कॉस्ट डेप्रिसिएशन निकालना है तो डेप्रिसिएशन होगा कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू बाई
कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू बाई यूजफुल लाइफ. अगर रेट निकालना है तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट पर एनम डिवाइडेड बाई कॉस्ट इंटू 100. अगर आपको रेट दी हुई हो, अगर आपको रेट दी हुई और डेप्रिसिएशन निकालना चाहो, ऑलवेज रिमेंबर, नेवर मेक अ मिस्टेक. स्क्रैप वैल्यू उस समय माइनस मत कीजिएगा. सीधा कॉस्ट से डेप्रिसिएशन रेट मल्टीप्लाई करना, सीधा कॉस्ट से रेट मल्टीप्लाई करना, यू विल गेट दी डेप्रिसिएशन. आप इस फॉर्मूला को भी देखो ना, अगर मैं कॉस्ट को रेट से मल्टीप्लाई करूं, विल आई गेट एनुअल डेप्रिसिएशन? आंसर इज येस. तो जब भी रेट दिया हुआ हो, डोंट डिडक्ट स्क्रैप वैल्यू अगेन, वो रेट में एडजस्टेड है. आप सिर्फ कॉस्ट से रेट मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट डेप्रिसिएशन. दूसरा मेथड WDV या रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, मोस्ट यूज मेथड, मोस्ट प्रैक्टिकल मेथड. WDV मेथड बोलता है जैसे जैसे एक एसेट यूज होता जाएगा, वैसे वैसे उसकी इकोनॉमिक बेनिफिट्स की देने की ताकत कम होती जाएगी. जैसे जैसे एसेट ओल्डर होता जाएगा, वैसे वैसे उसका फ्यूचर बेनिफिट्स कम होते जाएगा. अगर एसेट का पैटर्न ऑफ यूज ऐसा है कि जैसे जैसे वो ओल्डर होता है उसका बेनिफिट्स कम होते जाता है, तो हम लोग को यूज करना चाहिए WDV या रिटेन डाउन वैल्यू मेथड. क्योंकि एसेट का यूज कम होगा तो उसका डेप्रिसिएशन भी हर साल कम होना चाहिए. तो WDV मेथड के अंदर हम देखते हैं कि हर साल डेप्रिसिएशन कम 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 होते जाता है. यहां पे हम लोग डेप्रिसिएशन जो चार्ज करते हैं वो ओरिजिनल कॉस्ट पर नहीं करते. यहां पर हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं ऑन दी ओपनिंग बुक वैल्यू एवरी ईयर. SLF मेथड में डेप्रिसिएशन चार्ज होता है ऑन दी कॉस्ट ऑफ दी एसेट एवरी ईयर. जो कॉस्ट लगा था उस पर हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज होगा. WDV मेथड में डेप्रिसिएशन चार्ज होता है ऑन दी ओपनिंग बुक वैल्यू. जो भी ओपनिंग बुक वैल्यू, उस पर डेप्रिसिएशन रेट मारिए, हर साल का डेप्रिसिएशन आपका निकलते जाएगा. डन. बुक वैल्यू वही होती है, कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन. तो हर साल की ओपनिंग बुक वैल्यू या कॉस्ट से आप डेप्रिसिएशन लेस करते जाओ, यू विल गेट दी बुक वैल्यू. अभी ध्यान से सुनना. फॉर CPT स्टूडेंट या CS फाउंडेशन स्टूडेंट या टू एन एक्सटेंट CA फाउंडेशन स्टूडेंट के लिए, आप हमेशा जब भी डेप्रिसिएशन या बुक वैल्यू का कॉन्सेप्ट, बुक वैल्यू का कैलकुलेशन करो, एक शॉर्टकट बता देता हूँ WDV मेथड के लिए. उसको यूज कीजिएगा. फॉर कैलकुलेटिंग बुक वैल्यू शॉर्टकट विल बी जो कॉस्ट है इनटू 1 माइनस डेप्रिसिएशन रेट. मान लीजिए डेप्रिसिएशन रेट 10% है. डेप्रिसिएशन का रेट 10% है तो 1 माइनस डेप्रिसिएशन रेट यानी 0.1, 1 माइनस 0.1 इज 0.9. हर साल कॉस्ट से 0.9 इंटू करते जाइए. जितने नंबर का आपको बुक वैल्यू चाहिए जिस साल का, उस साल तक 0.9 इंटू कीजिए, आपको WDV मिल जाएगी. जैसे मान लीजिए मेरे एसेट का कॉस्ट है 1 लाख, एसेट का कॉस्ट 1 लाख, मेरे को बुक वैल्यू चाहिए एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर 2 साल के डेप्रिसिएशन के बाद, और डेप्रिसिएशन है 10%, तो मैं 1 लाख इंटू 0.9 इंटू 0.9, ये मेरा आ जाएगा सेकेंड ईयर एंड का बुक वैल्यू. तो 2 साल का डेप्रिसिएशन माइनस किया, 100 में से अगर 10 रुपया डेप्रिसिएशन माइनस कर दूँ तो 90 बचेगा, तो मेरी बुक वैल्यू बचेगी 0.9. अगर आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है डेप्रिसिएशन, तो तरीका विल बी, आप फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन नॉर्मल कैलकुलेट करो यानी कॉस्ट इनटू रेट. उसके बाद जितना भी साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है 0.9 0.9 0.9 एंड सो ऑन. मतलब पहले साल का नॉर्मल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया, उसके बाद हर साल 0.9 यानी जो भी डेप्रिसिएशन रेट है उसको 1 से माइनस करके हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया. अगर मान लो बोलता है कॉस्ट है 5 लाख, डेप्रिसिएशन रेट 20%, फिफ्थ ईयर का डेप्रिसिएशन बताओ, फिफ्थ ईयर का, तो पहले मैं फर्स्ट ईयर का निकाल लूंगा 5 लाख इंटू 20%, उसके बाद फिफ्थ ईयर, तो सेकेंड ईयर के लिए 0.8, थर्ड ईयर के लिए 0.8, फोर्थ ईयर के लिए 0.8, फिफ्थ ईयर के लिए 0.8, जितना पूछा उससे एक कम 0.8 कर देंगे तो आपका डेप्रिसिएशन निकल के आ जाएगा. तो प्लीज अगर आपको 5 साल 10 साल का डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में निकालने बोले, यूज दिस शॉर्टकट्स टू हैव योर टाइम सेव्ड इन एग्जाम. डन. एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन सेम हो तो फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन अंडर SLM एंड WDV विल ऑलवेज बी इक्वल. चाहे कोई से भी मेथड से करो, फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन होता है कॉस्ट पे, तो दोनों मेथड का सेम होगा. सेकेंड ईयर एंड ऑनवर्ड्स SLM का डेप्रिसिएशन हर साल इक्वल रहेगा, बट WDV हर साल गिरते जाएगा, तो SLM का डेप्रिसिएशन WDV से ज़्यादा होगा. तो अगर रेट सेम है, फर्स्ट ईयर SLM विल बी इक्वल टू WDV डेप्रिसिएशन, सेकेंड ईयर एंड ऑनवर्ड्स SLM का डेप्रिसिएशन विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन WDV का डेप्रिसिएशन. अगर कोई एसेट ऐसा है जिसका हर साल रिपेयर कॉस्ट इंक्रीज करते रहता है, उन एसेट्स के लिए WDV को यूज़ करना चाहिए क्योंकि उनका डेप्रिसिएशन कम होगा, तो नेट चार्ज ऑन PL विल रिमेन कॉन्स्टेंट. तो अगर कोई एसेट ऐसा है जिसका रिपेयर कॉस्ट हर साल इंक्रीज कर रहा है, WDV मेथड इज अ गुड मेथड फॉर सच एसेट्स. डन. ये हो गया SLM WDV. नेक्स्ट थर्ड मेथड है सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड. सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड में देखो बच्चों, जो रैशनल है वो बिल्कुल WDV की तरह है. ये भी बोलता है कि क्योंकि हर साल एसेट का यूज कम होते जाएगा, उसका डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी कम होते जाना चाहिए. बट इसने एक अलग फॉर्मूला दिया. प्लीज फॉर्मूला याद कर लीजिए, कोई भी क्वेश्चन आएगा दैट कैन बी सॉल्व.
सम ऑफ ईयर डिजिट का फॉर्मूला होता है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, जिसको अपने बोलते हैं डेप्रिशिएबल अमाउंट, इनटू नंबर ऑफ ईयर्स लेफ्ट इंक्लूडिंग करेंट ईयर, जितने साल बचे हुए हैं इंक्लूडिंग करेंट ईयर, डिवाइडेड बाई सम ऑफ टोटल ईयर, जितने नंबर ऑफ ईयर्स है उसका समेशन, 1+2, मान लो 5 ईयर है तो 1+2+3+4+5, 10 ईयर्स है तो 1+2+3+4 up to 10. तो हमारा फॉर्मूला हो गया कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू इंटू नंबर ऑफ ईयर्स लेफ्ट इंक्लूडिंग करेंट ईयर डिवाइडेड बाई सम ऑफ टोटल ईयर्स. मान लीजिए एक एसेट है, कॉस्ट 1 लाख, स्क्रैप वैल्यू 10,000, डन. उसके बाद यूजफुल लाइफ 6 ईयर्स, बोला फोर्थ ईयर का डेप्रिसिएशन, तो फोर्थ ईयर का डेप्रिसिएशन निकालने का अमाउंट क्या होगा, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, ये अपना सेम रहेगा, 1 लाख माइनस, सॉरी 1 लाख माइनस 10,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स लेफ्ट. जब फोर्थ ईयर चालू हुआ कितने साल बाकी थे, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, सिक्स्थ ईयर एंड है, 3-6 साल तक का लाइफ है, तो फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ यानी 3 साल बाकी थे, तो इंटू 3 डिवाइडेड बाई 1+2+3 .. up to 6, ये आपका हो जाएगा फॉर्मूला. अगर आपको पूछे बुक वैल्यू, तो कॉस्ट से जो डेप्रिसिएशन निकाली है साल 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 की, आप माइनस कर दो, बुक वैल्यू आ जाएगा. हाउएवर यू कैन यूज अ शॉर्टकट पैटर्न, शॉर्टकट तरीका क्या, कलेक्टिव डेप्रिसिएशन निकालने का. मान लो इसी क्वेश्चन में बोले फोर्थ ईयर एंड की बुक वैल्यू बताओ, फोर्थ ईयर एंड की बुक वैल्यू मतलब कॉस्ट से 4 साल का डेप्रिसिएशन माइनस करना है, कॉस्ट से 4 साल का डेप्रिसिएशन. आप हर साल का करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, 4 साल का डेप्रिसिएशन में मैं अगर आपसे पूछूं 6 ईयर्स का लाइफ है, तो फर्स्ट ईयर में कितना साल बाकी था, 6, सेकेंड ईयर में 5, थर्ड ईयर में 4, फोर्थ ईयर में 3, तो आप ऊपर 3 की जगह 6+5+4+3 कर दो, ये आपका कलेक्टिवली 4 साल का डेप्रिसिएशन आ जाएगा. उसके बाद कॉस्ट से माइनस कर दो, यू विल गेट दी बुक वैल्यू. तो कलेक्टिव डेप्रिसिएशन निकालना है तो न्यूमरेटर में जिस जिस साल का डेप्रिसिएशन चाहिए उसके नॉर्मल जो नंबर ऑफ ईयर्स लेफ्ट है वो ऐड करके इनटू कर दीजिए, यू विल गेट दी आंसर. और सिंपल एक ट्रिक बताऊं तो ऊपर उल्टा चलेगा नीचे सीधा, नीचे 1+2+3+4+5+6 था, ऊपर 6543 एंड सो ऑन चलेगा. 4 साल का पूछे तो 6543, 3 साल का पूछे तो 654, 2 साल का पूछे तो 65, जैसे भी पूछे कर लीजिएगा. अब नंबर ऑफ लाइफ आप जो यूजफुल लाइफ देगा उसके हिसाब से आपको ये खेलना पड़ेगा, डन. आगे चलते हैं, प्रोडक्शन यूनिट, मशीन आवर्स या डिप्लीशन मेथड, ये तीनों मेथड सेम है, एक ही फॉर्मूला है इनका. फॉर्मूला पहले बोल दूं, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, क्या बोला मैंने, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई टोटल कैपेसिटी, जितना कैपेसिटी आप एक्सपेक्ट करते हो जिसको अपने यूजफुल लाइफ बोलते हैं, इनटू जो कैपेसिटी आपने यूटिलाइज कर लिया ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर, वो हो जाएगा उस साल का डेप्रिसिएशन. कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई टोटल कैपेसिटी जो आपने एक्सपेक्ट किया, जो यूजफुल लाइफ है, इनटू कैपेसिटी जो यूटिलाइज हो गया ड्यूरिंग दैट ईयर. इसको निकालने का लॉजिकल तरीका क्या है, आप दो स्टेप में चलो. पहला स्टेप, ये सारे मेथड्स में ना यूजफुल लाइफ ईयर्स में नहीं लेनी है, ये सारे मेथड्स में यूजफुल लाइफ या तो प्रोडक्शन यूनिट्स में होगी या आवर्स में होगी या फिजिकल कैपेसिटी केजी टन्स में होगी. तो इस केस में यूजफुल लाइफ नंबर ऑफ ईयर्स होगा ही नहीं. यहां पे आप क्या करो, सबसे पहले जितना एक्सपेक्टेड एस्टिमेटेड प्रोडक्शन या कैपेसिटी आपका है उस हिसाब से पर यूनिट का कॉस्ट निकाल लो. मान लो 1 करोड़ का एक एसेट है, उससे 50 लाख यूनिट बन सकते हैं, मैं स्क्रैप वैल्यू 0 मान रहा हूं, 1 करोड़ का एसेट 50 लाख यूनिट्स, तो पर यूनिट का कॉस्ट कितना हो गया, 2 रुपया. अगर पहले साल आपने 5 लाख यूनिट बनाया तो ₹2 इंटू 5 लाख यूनिट यानी ₹10 लाख का डेप्रिसिएशन. पहले दूसरे साल आपने 6 लाख यूनिट बनाया तो ₹2 इंटू 6 लाख यूनिट्स ₹12 लाख का डेप्रिसिएशन. तो आप पर यूनिट कॉस्ट लगा के इंटू नंबर ऑफ यूनिट जितना आपने बनाया वो मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द डेप्रिसिएशन, डन. अगर इस मेथड में आपको बुक वैल्यू निकालना है तो हर साल का डेप्रिसिएशन नहीं निकाल के जितना कलेक्टिव कैपेसिटी यूज हुआ है ड्यूरिंग द ईयर जिसका आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना है उनको ऐड कर दो न्यूमरेटर में एंड देन फाइंड दी बुक वैल्यू, डन है क्या बात. आगे चलते हैं, नेक्स्ट मेथड है एन्युइटी मेथड. एन्युइटी मेथड को थोड़ा सा समझना चाहिए. एन्युइटी मेथड में समझाता हूं, आई विल स्पेंड अ फ्यू मिनट्स फॉर दिस सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. सबसे पहले एन्युइटी मेथड बोलता क्या है, एन्युइटी मेथड बोलता है कि अगर आप एज अ बिजनेस फिक्स्ड एसेट में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो फिक्स्ड एसेट का जो कॉस्ट लगा वो तो आपका इन्वेस्टमेंट है ही है, बट अगर आप सोचिए ये कॉस्ट फिक्स्ड एसेट में ब्लॉक नहीं करके कहीं और इन्वेस्ट करते, कई शेयर्स में लगाते, कोई फिक्स डिपॉजिट में लगा देते, कहीं ट्रेजरी बिल्स में पैसा लगा देते, तो कुछ फिक्स रिटर्न आपको रिसीव होता हर साल.
आप क्योंकि पैसा उन इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज में नहीं लगा के फिक्स एसेट में लगा रहे हो, हर साल कुछ इंटरेस्ट का पोर्शन आप लॉस करते हो, हर साल कुछ इंटरेस्ट का पोर्शन लॉस करते हो। इसको हम लोग बोलते हैं नोशनल इंटरेस्ट, क्योंकि आप हर साल इंटरेस्ट का पैसा लॉस कर रहे हो। आप जब डेप्रिशिएट करते हो फिक्स एसेट को, आप जब डेप्रिशिएट करते हो फिक्स एसेट को, उसकी कॉस्ट सिर्फ उसका परचेज प्राइस या इंटेंडेड यूज तक का खर्चा मत लो, उस पर लॉस हुआ इंटरेस्ट भी आपको इंक्लूड करना चाहिए। तो ये मेथड कंसीडर करता है इंटरेस्ट आउटले ऑन द कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट को खरीदने के कारण जो आप इंटरेस्ट हर साल गवा रहे हो बाय नॉट इन्वेस्टिंग द मनी इन डिफरेंट एवेन्यूज, उसको भी कंसीडर करो व्हाइल कैलकुलेटिंग द डेप्रिसिएशन। यहां पर जब मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करने की बात करूं, यहां पर डेप्रिसिएशन का अमाउंट पर एनम इज इक्वल टू जो भी कॉस्ट है फिक्स एसेट का इनटू एन्युइटी फैक्टर, जो भी आपको एन्युइटी फैक्टर प्रोवाइडेड रहेगा। एन्युइटी फैक्टर विल बी प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन, डोंट वरी। जो भी कॉस्ट है इनटू एन्युइटी फैक्टर से अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे, एन्युइटी फैक्टर होता क्या है? एन्युइटी फैक्टर सिंपली सेज, आज अगर आप एक रुपया कहीं इन्वेस्ट करते हो तो नेक्स्ट थ्रू आउट द यूजफुल लाइफ आपको वहां से कितना 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 रुपया मिले, तब आपका एक पर्टिकुलर रेट ऑफ रिटर्न अचीव हो जाए। तो वो जो इंटरेस्ट आप खो रहे हो उसको भी कंसिडर करके एन्युइटी फैक्टर निकाला जाता है। एन्युइटी फैक्टर विल बी प्रोवाइडेड इन योर क्वेश्चन। और आपको अगर डेप्रिसिएशन निकालना है तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट होगा कॉस्ट इंटू एन्युइटी फैक्टर। अब तीसरा बात बचा, सर बुक वैल्यू कैसे निकलेगा? बुक वैल्यू, और बच्चे ये जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट हम निकाल रहे हैं ना, इट विल रिमेन कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द यूजफुल लाइफ। द वर्ड एन्युइटी मैथ्स में, नवनीत भैया का जादू सोचो, मैथ्स में आपको सिखाया होगा कि एन्युइटी मतलब सेम अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ सेम इंटरवल। तो सेम अमाउंट अगर है तो एन्युइटी मेथड के अंदर डेप्रिसिएशन हर साल क्या होगा? सेम होगा। इस मेथड में बुक वैल्यू निकालते समय थोड़ा सा पंगा है, क्या सुनिएगा, कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट हमने कंसीडर करना है नोशनल इंटरेस्ट, माइनस डेप्रिसिएशन। ये फर्स्ट ईयर की अगर बात करूं, अगर सेकेंड ईयर से बात करूं तो ओपनिंग WDV, फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। सेकेंड ईयर एंड ऑनवर्ड्स आपको ऐसे बुक वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो इस मेथड में पहले हम इंटरेस्ट ऐड करते हैं कि कितना इंटरेस्ट हमने खोया, उसके बाद डेप्रिसिएशन लेस करते हैं, तब जाके हमारा फिक्स्ड एसेट का अकाउंट बनता है। अगर मैं फिक्स्ड एसेट का आपको अकाउंट दिखाऊं, सिंपली समझिएगा, फिक्स्ड एसेट अकाउंट, सबसे पहले जब खरीदा तो एसेट खरीदा तो टू बैंक, कितना रुपया का, मान लो 10 लाख रुपए का। अब हर साल पहले इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा एसेट की कॉस्ट में, जैसे जैसे इंटरेस्ट चार्ज होगा एसेट की कॉस्ट बढ़ेगी। तो टू इंटरेस्ट, जो भी आपको इंटरेस्ट रेट दिया हुआ उसके हिसाब से उस वैल्यू पे, ओपनिंग बुक वैल्यू पे मार लेना। उसके बाद बाय डेप्रिसिएशन, जो एन्युइटी फैक्टर के हिसाब से डेप्रिसिएशन निकाला है, अब हर साल बैलेंस CD, जब नेक्स्ट ईयर ये बैलेंस BD होगा तो उसके ऊपर फिर से इंटरेस्ट, क्योंकि पहले आप इंटरेस्ट चार्ज करोगे फिर डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, एंड सो ऑन। जब आप यूजफुल लाइफ के बाद देखोगे इस एसेट का वैल्यू अपने आप जीरो या स्क्रैप वैल्यू के बराबर हो जाएगा, जिस हिसाब से आपने एन्युइटी फैक्टर कैलकुलेट किया है। क्वेश्चन में एन्युइटी फैक्टर दिया रहेगा तो यू डोंट नीड टू कैलकुलेट। तो एन्युइटी मेथड में ऑलवेज रिमेंबर, पहले हम लोग इंटरेस्ट ऐड करते हैं ऑन दी ओपनिंग बुक वैल्यू, फर्स्ट ईयर है तो कॉस्ट, सेकेंड ईयर से ओपनिंग बुक वैल्यू, एंड उसके बाद डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करने का तरीका भैया, कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट इनटू एन्युइटी फैक्टर, एक बार निकाल लिया उसके बाद हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या होगा? सेम होगा। ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज दिस मेथड कंसीडर्स इंटरेस्ट आउटले ऑन द कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट। एक बार देख के इसका एक क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपको सारा बात समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं, ये हो गए सर आपके सारे मेथड्स। सिंकिंग फंड मेथड भी है, यू डोंट नीड टू डू दिस बिकॉज वो एग्जाम में कभी भी नहीं पूछा जाता है। डन, उसका जितना जर्नल एंट्रीज आप करोगे उससे अच्छा आप दो चैप्टर्स कंप्लीट कर दोगे, तो यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू डू सिंकिंग फंड मेथड। डन, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट और मेरे को लगता है इस बार एग्जाम में पूछेगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग डेप्रिसिएशन, अगर चेंज हो जाए तो हम लोग कैसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। यहां पर क्या चीज की बात करेंगे समझ लो, मान लो कॉस्ट ऑफ द फिक्स्ड एसेट यानी बुक वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, यूजफुल लाइफ ऑफ फिक्स्ड एसेट, स्क्रैप वैल्यू, अगर अगर
आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, हमने शुरू में कोई एस्टिमेट्स बनाए, ये सारे अकाउंटिंग एस्टिमेट्स होते हैं, हमने एस्टिमेट्स बनाए कि इतने रेट से डेप्रिसिएशन करेंगे, इस मेथड से डेप्रिसिएशन करेंगे, कुछ साल जाने के बाद हमको लगता है कि हमने जो एस्टिमेट बनाया वो गलत हो गया और हम एस्टिमेट चेंज करना चाहते हैं, तो इसका कैसा कैसा इफेक्ट होगा वो जानना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 बोलता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 बोलता है कि आप अगर चाहो तो एस्टिमेट्स को चेंज कर सकते हो, अगर जिन जिन सर्कमस्टांसिस में वो एस्टिमेट बनाए थे वो बदल गए तो एस्टिमेट बदले जा सकते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट यानी फिक्स एसेट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है, जब भी आप रेट, यूजफुल लाइफ, ये रेट, यूजफुल लाइफ, स्क्रैप वैल्यू, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, बुक वैल्यू चेंज करोगे, ये सारे चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट कंसीडर किए जाएंगे। क्या कंसीडर किए जाएंगे? चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। और क्योंकि चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट कंसीडर किए जा रहे हैं, इनका जो डेप्रिसिएशन पर इफेक्ट होगा वो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा। प्रोस्पेक्टिव मतलब पुराने सालों में जैसे डेप्रिसिएशन दिया है वो ठीक है, उसको चेंज नहीं करना है, अब जो नया एस्टिमेट बनाए हो उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन करना स्टार्ट कीजिए। तो पुराने वालों को हम लोग छेड़ेंगे नहीं, नए से डेप्रिसिएशन चालू करेंगे। दो स्टेप, तीन स्टेप आप क्वेश्चंस में लगा लेना। पहला स्टेप, जिस साल चेंजेस हुई है उस साल के बिगिनिंग तक, जिस साल चेंजेस हुई है उस साल के बिगिनिंग तक का WDV बुक वैल्यू निकाल लो। मान लो फोर्थ ईयर में चेंजेस हुआ तो थर्ड ईयर एंड या फोर्थ ईयर के बिगिनिंग तक का बुक वैल्यू निकाल लो यूजिंग दी ओल्ड एस्टिमेट, जैसे हम लोग निकालना सीखे अभी तक। उसके बाद जो जो नया एस्टिमेट है उनको आइडेंटिफाई करो और अब जो इस साल यानी फोर्थ ईयर, ईयर ऑफ चेंज का आप डेप्रिसिएशन निकालो, वो न्यू एस्टिमेट को यूज करके निकालो, पुराना एस्टिमेट्स को छोड़ दो। जो भी रिमेनिंग बुक वैल्यू है, जो भी रिमेनिंग बुक वैल्यू है उसको हम लोग डिप्रिशिएट करेंगे यूजिंग द न्यू एस्टिमेट्स ओवर द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। तो हम लोग जो एस्टिमेट चेंज करेंगे उनका प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लेकर जिस साल से चेंजेस हुई है उस साल से नया डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाएगा। डन, आगे चलते हैं। इसका मैं एग्जाम्पल आपको देता हूं। नेक्स्ट, शॉर्ट नोट्स के लिए, सीए फाउंडेशन के लिए इंपॉर्टेंट है कंपोनेंट अप्रोच ऑफ डेप्रिसिएशन। क्लास में पढ़े हैं कंपोनेंट अप्रोच का मतलब, अगर एक फिक्स्ड एसेट में बहुत सारे सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स है, सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स मतलब ऐसे पार्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट जिनका कॉस्ट टोटल कॉस्ट का सिग्निफिकेंट पार्ट कंप्राइज करता है, जैसे एक एरोप्लेन में एरोप्लेन का इंजन, एरोप्लेन की एक्सटीरियर बॉडी, एरोप्लेन का इंटीरियर, पूरा जो स्ट्रक्चर है जहां पर हम बैठते हैं, वो सारे तीन मेन पार्ट्स होते हैं एरोप्लेन के। तो अगर कोई ऐसा पार्ट ऑफ अ फिक्स्ड एसेट है जो उसका सिग्निफिकेंट वैल्यू या कॉस्ट को कवर करता है एंड उसका यूजफुल लाइफ अदर पार्ट से डिफरेंट है, तो आपको फिक्स्ड एसेट को एक करके डेप्रिशिएट नहीं करना चाहिए, कंपोनेंट्स में अलग अलग डिवाइड करके डेप्रिशिएट करना चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट अप्रोच ऑफ डेप्रिसिएशन। फिक्स्ड एसेट के इंपॉर्टेंट पार्ट्स को जिनकी यूजफुल लाइफ डिफरेंट है उनको अलग अलग करके उनके पर्टिकुलर यूजफुल लाइफ के हिसाब से डेप्रिशिएट करना चाहिए, इसी को हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट अप्रोच ऑफ डेप्रिसिएशन। कंपोनेंट अप्रोच आजकल फॉलो किया जाता है विद द एडवेंट ऑफ शेड्यूल टू एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, तो आजकल यही फॉलो करते हैं, बट इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमारे एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग में मैं ज्यादा अंदर नहीं जाऊंगा। डेप्रिसिएशन का नॉर्मल एंट्री होता है डेप्रिसिएशन टू फिक्स एसेट, हर साल ईयर एंड पे हम इसको पीएल में ट्रांसफर कर देते हैं तो पीएल टू डेप्रिसिएशन। बैलेंस शीट में जब फिक्स एसेट दिखाते हैं, फिक्स एसेट ओपनिंग WDV लेस डेप्रिसिएशन तो आ जाता है क्लोजिंग WDV। एक और मेथड होता है जिसे हम बोलते हैं प्रोविजन मेथड। प्रोविजन मेथड के केस में हम लोग डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट अकाउंट में चार्ज नहीं करके डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट में चार्ज करते हैं। जर्नल एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन तो पीएल में चला जाता है पीएल टू डेप्रिसिएशन। ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हर साल एक्यूमुलेट होता है डेप्रिसिएशन की अमाउंट से, और ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हम लोग बैलेंस शीट में दिखाते हैं टोटल कॉस्ट से लेस करके। अब ओपनिंग WDV लेस डेप्रिसिएशन नहीं होगा, अब कॉस्ट लेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस यानी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होते जाएगा, तो हमारा क्लोजिंग WDV निकल जाएगा। जिस साल फिक्स एसेट बिकेगा, जब फिक्स एसेट बिकेगा तो फिक्स एसेट का बिकने पर हमें प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना होगा। फिक्स एसेट के बिकने से प्रॉफिट या लॉस होता है सेल वैल्यू माइनस बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल, सेल वैल्यू माइनस बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल। ये प्रॉफिट लॉस आप कंप्यूट करके अगर नॉर्मल मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन फॉलो करते हो, नॉर्मल अकाउंटिंग, तो फिक्स एसेट अकाउंट में पाई बैंक करके सेल प्रोसीज लिखा और जो भी डिफरेंस बचा वो पीएल में चला जाएगा प्रॉफिट या लॉस। जो भी WDV से डिफरेंस बचा वो पीएल में चला जाएगा प्रॉफिट या लॉस। अगर लॉस है तो बाई पीएल, अगर प्रॉफिट है तो 2PL करके वो चला जाएगा पीएल में।
बट अगर हम लोग प्रोविजन मेथड फॉलो करते हैं, तो प्रोविजन मेथड फॉलो कर रहे हैं तो मेरा फिक्स एसेट कॉस्ट पर मेंटेन हो रहा है, क्योंकि मैं उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज उसके अंदर नहीं करता हूं, मैं अलग से प्रोविजन अकाउंट में करता हूं। तो हम लोग क्या करेंगे, जो एसेट सेल हुआ है उससे रिलेटेड जो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन है आज तक का, उसको हम लोग प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट से फिक्स एसेट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। वी विल डू अ जर्नल एंट्री प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट। जैसे ही मैं प्रोविजन डेबिट करके टू फिक्स एसेट करूंगा, फिक्स एसेट अपने आप WDV में आ जाएगा। तो फिक्स एसेट अकाउंट में पहले आएगा बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जितना बैलेंस उस एसेट से रिलेटेड है, फिर बाई बैंक करके जो भी डिफरेंस होगा वो प्रॉफिट या लॉस हम PL में ट्रांसफर कर देंगे। तो दो डिफरेंस, पहला यहां पर फिक्स एसेट WDV में मेंटेन होता है तो डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट अकाउंट में जाता है, दूसरे साइड में फिक्स एसेट कॉस्ट में मेंटेन होता है तो डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट अकाउंट में नहीं जाता, प्रोविजन अकाउंट में जाता है। जब बेचते हैं एसेट तो पहले मेथड में हमें कुछ नहीं करना पड़ता, नॉर्मली बाई बैंक करके जितना में कम में बेचा वो प्रॉफिट लॉस आ जाएगा। बट दूसरे मेथड में पहले हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से अमाउंट उठा के फिक्स एसेट में ले जानी पड़ती है, फिर हम प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर पाते हैं। डन। लास्ट पोर्शन ऑफ द टोटल चैप्टर रीवैल्यूएशन का कहानी, सुनते जाइएगा मैं फटाफट बोल रहा हूं। रीवैल्यूएशन का कहानी में मैं अगर बात करूं, रीवैल्यूएशन ऑफ अ फिक्स एसेट मतलब फिक्स एसेट की जो बुक वैल्यू है उसकी फेयर वैल्यू के बराबर नहीं है मार्केट वैल्यू के, तो बुक वैल्यू को मार्केट वैल्यू तक लेके जाना इज नोन एज रीवैल्यूएशन ऑफ अ फिक्स एसेट। रीवैल्यूएशन करने में दो केस आएंगे, सबसे पहले अपवर्ड रीवैल्यूएशन हुआ है या डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन। अपवर्ड रीवैल्यूएशन मतलब एसेट की वैल्यू बढ़ानी है, एसेट की वैल्यू बढ़ाना इज अ प्रॉफिट। हाउएवर कंजर्वेटिज्म बोलता है कि आप एसेट्स की वैल्यू नहीं बढ़ा सकते, उसका प्रॉफिट नहीं दिखा सकते अनलेस वो एसेट बेचा गया हो और प्रॉफिट रियलाइज हो गया हो, अनरियलाइज प्रॉफिट या एंटीसिपेटेड प्रॉफिट दिखाना अलाउड नहीं है। तो ये जो फिक्स एसेट की वैल्यू हम बढ़ाएंगे और प्रॉफिट होगा, इसको हम लोग पीएल में नहीं डालेंगे, ये चला जाएगा रिवैल्यूएशन सरप्लस, ये सीधा रिजर्व एंड सरप्लस में दिखेगा अंडर द नेम रिवैल्यूएशन सरप्लस या रिवैल्यूएशन रिजर्व। अगर हम लोग डाउनवर्ड रिवैल्यू कर रहे हैं, डाउनवर्ड फिक्स एसेट की वैल्यू कम कर रहा है तो इट इज अ लॉस, ये डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन डायरेक्टली, क्योंकि लॉस है, कंजर्वेटिज्म बोलता है लॉस को अभी प्रोवाइड करो, तो हम लोग ये डायरेक्टली पीएल में चार्ज कर देंगे। दूसरा केस, पहली बार हमने अपवर्ड किया अब डाउनवर्ड करने जा रहे हैं, पहली बार हमने अपवर्ड किया अब डाउनवर्ड करने जा रहे हैं, तो अपवर्ड किया था तो प्रॉफिट रिवैल्यूएशन सरप्लस में है, अगर अब डाउनवर्ड हो रहा है मतलब पहले प्रॉफिट फालतू का क्रेडिट किया हुआ है, पहले इस लॉस को रिवैल्यूएशन सरप्लस से राइट ऑफ करो, फिर अगर और लॉस है तो वो पीएल में चार्ज करो। मान लो पहले रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस 5 लाख, अभी लॉस हुआ है 7 लाख, तो पहले 5 लाख मैं रिवैल्यूएशन सरप्लस में डेबिट करूंगा, फिर 2 लाख जो एक्स्ट्रा है वो पीएल में डेबिट करके टू फिक्स्ड एसेट। पहले डाउनवर्ड हुआ था अब अपवर्ड करना है, पहले डाउनवर्ड अब अपवर्ड, तो अभी प्रॉफिट हो रहा है तो पहले जितना लॉस आपने डाउनवर्ड के टाइम पीएल में डाला था पहले ये प्रॉफिट पीएल में क्रेडिट करो टू द एक्सटेंट ऑफ दैट लॉस। पहले अगर 5 लाख का लॉस डाला था पीएल में, अब 5 लाख का प्रॉफिट पहले पीएल में डालो, उससे ज्यादा अगर प्रॉफिट हुआ है तो वो प्रॉफिट रिवैल्यूएशन सरप्लस या रिवैल्यूएशन रिजर्व में चला जाएगा। मान लो पहले 5 लाख का प्रॉफिट था अब 6 लाख का प्रॉफिट, पहले 5 लाख का लॉस था अब 6 लाख का प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट अप टू 5 लाख हम लोग पीएल में क्रेडिट कर देंगे सो दैट पुराना लॉस सेट ऑफ हो जाए, और 1 लाख का जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है वो चला जाएगा रिवैल्यूएशन रिजर्व। This is it for depreciation. Please, अब मैं बोल रहा हूँ क्या आपको questions बनाने हैं। मैंने आपको questions exam मतलब class में बहुत सारे factors affecting depreciation के question करा रखे हैं, please उनको देखिएगा, exam के लिए मेरे को लगता है important है। दूसरा, फिक्स एसेट अकाउंट बनाने का एक नॉर्मल डेप्रिसिएशन मेथड, एक प्रोविजन, दोनों का एक एक सम जिसमें सेल परचेज सब हो, उसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, काम खत्म हो जाएगा। डन, थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर वी आर टेकिंग अप इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो इस टर्म में इंस्टीट्यूट के मार्क्स वेटेज के हिसाब से 10-15 मार्क्स के लिए एग्जाम में रेलिवेंट है। चैप्टर का नाम रेशियो एनालिसिस, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। एंड बच्चे ये सोचते हैं कि इस चैप्टर में रेशियो लर्न कर लेंगे तो एग्जाम में आंसर हो जाएगा, ट्रस्ट मी, जिस टाइप के क्वेश्चन इंस्टीट्यूट अपनी मैट में दे रखा है प्लस जिस टाइप के क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछ सकता है, वहां पर सिर्फ रेशियो का फॉर्मूला लर्न होने से नहीं होगा, थोड़ी बेसिक आइडिया होनी चाहिए टू अप्लाई दैट फॉर्मूला। मैं एक्सपेक्ट करता हूं 2 क्वेश्चन इंस्टीट्यूट देगा इस चैप्टर से, एक 5 मार्क का क्वेश्चन और एक 8 मार्क का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट बेसिक आपको बहुत सारे वेरिएबल्स दे देगा और बोलेगा रेशियोज कंप्यूट करो, एक क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट आपको डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज देगा, कुछ वेरिएबल्स देगा और बोलेगा बैलेंस शीट कंपाइल करके दो। तो 2 टाइप के क्वेश्चन मेरे हिसाब से इस टर्म में इस रेशियो एनालिसिस चैप्टर से आने चाहिए। क्योंकि ये रिवीजन वीडियो है, आई विल हैव टू लिमिट माई सेल्फ टू
थोड़े इंपॉर्टेंट रेशियोज, एंड नंबर टू मेरे को थोड़ा सा फास्ट चलना होगा। अगर आप मेरी बात को गौर से सुनेंगे एंड एक से दो बार मैं बोलूंगा आप ये वाला पार्ट चेक कर लेना वीडियो का, तो आपको कोई भी रेशियो में प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेशियो एनालिसिस क्यों करनी है, अकाउंटिंग में रेशियो एनालिसिस का क्या रेलेवेंस है, समझिए फ्रेंड्स। हम लोग अकाउंट्स में सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसके बाद उनको समराइज करके ट्रायल बैलेंस बना के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लेते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से फर्म की पोजीशन और परफॉर्मेंस पता चल जाती है, बट सिर्फ क्या प्रॉफिट और लॉस और कितने एसेट्स लायबिलिटीज हमारे पास है, ये एक रेलिवेंट डिसीजन मेकिंग के लिए, इतने बड़े डिसीजन मेकिंग, इतने बड़े पैसे लगते हैं बिजनेस में, क्या सिर्फ प्रॉफिट इज अ मेजर कि हमको पैसा लगाना है या नहीं? क्या सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटीज का होना इज अ मेजर कि मेरे को पैसा लगाना है कि नहीं? फॉर दिस रीजन कि हमको पैसा लगाने के लिए, डिसीजन मेकिंग करने के लिए बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि एनालाइज कर लेनी चाहिए। रेशियो एनालिसिस उसी उसी एनालिसिस के लिए बनाया गया है। समराइजिंग स्टेज के बाद नेक्स्ट अकाउंटिंग का प्रोसीजर का स्टेज होता है एनालाइजिंग, जहां पे हम लोग रेशियो एनालिसिस के थ्रू कंपेरिटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू ये एनालाइज करते हैं कि बिजनेस बिजनेस क्या ग्रो कर रहा है, क्या बिजनेस लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अच्छा कर रहा है, क्या बिजनेस अपने कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में अच्छा कर रहा है या नहीं। और बिजनेस की इन बातों को जानने के लिए हमें बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो वेरियस आइटम्स है उनके उनके बीच में रिलेशंस को समझना पड़ता है, एंड ये रेशियो एनालिसिस उसी रिलेशनशिप को समझाता है। आप रेशियोज को दो टाइप में क्लासिफाई कर सकते हो, एक ट्रेडिशनल एक फंक्शनल। थ्योरी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में हम लोग तीन टाइप के रेशियोज सीखते थे, बैलेंस शीट रेशियोज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रेशियोज और कंपोजिट रेशियोज। बैलेंस शीट रेशियोज मतलब जिसके एलिमेंट्स बैलेंस शीट से निकल के आ रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस मतलब जिनके एलिमेंट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकल के आ रहे हैं, कंपोजिट मतलब जो दोनों बैलेंस शीट और पीएल के सामंजस्य से बनाए जा रहे हैं। अगर बैलेंस शीट रेशियो में बोलूँ करंट रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो में बोलूँ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नॉट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियोज एक्सेट्रा। अगर कॉम्पोजिट रेशियो में बोलूं तो टर्नओवर रेशियोज, सेल्स बाय फिक्स्ड एसेट, सेल्स बाय वर्किंग कैपिटल, ये सारे टर्नओवर रेशियोज, या रिटर्न रेशियोज, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड एक्सेट्रा, ये सारे कौन से रेशियोज है, कंपोजिट। ऑन द अदर हैंड जो जो मोस्ट प्रेफर्ड क्लासिफिकेशन है वो फंक्शनल क्लासिफिकेशन, जहां पे रेशियोज को चार पार्ट में डिवाइड किया गया, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो एंड प्रॉफिटेबिलिटी। लिक्विडिटी रेशियो ये समझाता है कि बिजनेस क्या अपने करंट ऑब्लिगेशंस यानी करंट लायबिलिटीज को पे ऑफ कर पाएगा या नहीं, इन दी ड्यू टर्म, जितना जब जब उनका ड्यू डेट्स आएगा क्या बिजनेस उसे पे ऑफ कर पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए हम लोग जो रेशियोज कैलकुलेट करते हैं बिजनेस की वर्थ टू सेटल इट्स करंट लायबिलिटी, उसे बोला जाता है लिक्विडिटी रेशियोज। ये शॉर्ट टर्म रेशियोज होती है नॉर्मली। सॉल्वेंसी रेशियो ऑन दी अदर हैंड ये लॉन्ग टर्म रेशियोज होती है, जो ये डिटरमाइन करती है कि बिजनेस अपने टोटल डेट्स को पे ऑफ करने के लिए, टोटल डेट्स इंक्लूडिंग दी ओनर्स, उनको पे ऑफ करने के लिए सक्षम है कि नहीं। तीसरे टाइप के रेशियोज होते हैं एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियोज, जहां पर हम ये डिटरमाइन या ये चेक करते हैं कि बिजनेस अपने एसेट्स या इन्वेस्टमेंट जो पैसा का किया हुआ है उससे फेयर रेवेन्यू जनरेट कर पा रहा है या नहीं, बिजनेस की जो एक्टिविटीज है वो एफिशिएंट है कि नहीं, बिजनेस अपने रिसोर्सेज को, एसेट्स को एफिशिएंटली यूज कर पा रहा है या नहीं। एंड नंबर फोर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, बिजनेस रिटर्न कमा पा रहा है कि नहीं, बिजनेस प्रॉफिट एडिक्वेट कमा रहा है या नहीं। अगर आपको रेशियो समझने हैं आपको दो चीजों को समझना बहुत जरूरी है। मैं पहली चीज जो आपके सामने रख रहा हूं, प्लीज स्क्रीन पर देखिए, बैलेंस शीट। अगर आपको यह बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपके दिमाग में छप जाए, मैं बोल रहा हूं लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी रेशियो, शर्त लगा लीजिए ऐसी कोई रेशियो नहीं है जो आप नहीं निकाल पाएंगे, बट यह बैलेंस शीट थोड़ा सा आपको लर्न करना पड़ेगा। मैंने बैलेंस शीट को लायबिलिटी साइड में तीन पार्ट में डिवाइड किया, एक शेयर होल्डर्स का पैसा जहां पर कैपिटल और रिजर्व्स दिख रहा है आपको, दूसरा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स यानी डेट का पैसा जो हमने बाहर से उठा के रखा है, बैंकों से लोन ले रखा है, डिबेंचर इश्यू करके रखे हैं, तीसरा करेंट लायबिलिटीज यानी जो लायबिलिटीज मुझे करेंट पीरियड 12 महीना के अंदर पे ऑफ करनी पड़ेगी, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, टैक्स की लायबिलिटी एक्सेट्रा। तीन भागों में मैंने लायबिलिटी साइड को बांटा, शेयर होल्डर्स फंड, लॉन्ग टर्म डेट्स एंड करेंट लायबिलिटीज।
एसेट साइड को आप अगर क्लासिफाई करो, आप दो क्लासिफिकेशन कर सकते हो, नॉन करेंट करेंट। मैंने तीन किए, फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट्स एंड करेंट एसेट्स। और एक क्लासिफिकेशन एकदम लास्ट में देखिएगा, फिक्टिशियस एसेट। ये फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं सर? फिक्टिशियस एसेट्स मतलब ये एसेट साइड में दिखाए जा रहे हैं बट रियल में ये एसेट्स नहीं है, इनसे कोई फ्यूचर बेनिफिट आने वाला नहीं है, क्योंकि हम धीरे धीरे इनको राइट ऑफ करते हैं डेफर करके, इसीलिए एसेट साइड में दिख रहे हैं, फ्यूचर में ये पीएल में जाके पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे, राइट ऑफ कर दिए जाएंगे। तो दीज आर नथिंग बट इन द नेचर ऑफ लॉसेस। तो ये एक्चुअल में एसेट नहीं है, ये लॉसेस है। अब इस बैलेंस शीट से आप लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी रेशियोज निकाल पाएंगे, बट बैलेंस शीट के लिए, बैलेंस शीट से रेशियो निकालने के लिए कुछ वर्ड समझने जरूरी है। सबसे पहला वर्ड आपके सामने रखता हूं, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब, प्लीज ये कंफ्यूज मत करिएगा कि कैपिटल का जो पैसा लगा हुआ है ये कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड को आप तीन तरीके से सोच सकते हो। नंबर वन, ओनर का लगाया हुआ पैसा। नंबर टू, लॉन्ग टर्म नेचर का लगाया हुआ पैसा, चाहे ओनर्स ने लगाया हो चाहे हमने लोन के नेचर में लिया हो, बाहर वालों से लिया हो। तीसरा, टोटल जो बिजनेस में पैसा लगा हुआ है, जहां पे ओनर का पैसा भी आता है, लॉन्ग टर्म डेट भी आता है, और तीसरा करेंट लायबिलिटीज भी आता है। ये तीन तरीके से आप कैपिटल एम्प्लॉयड को समझ सकते हो, ओनर का पैसा, लॉन्ग टर्म का पैसा, टोटल पैसा जो बिजनेस में लगा हो। अब हम लोग जब भी कैपिटल एम्प्लॉयड को कंसीडर करेंगे इस चैप्टर में, हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड में हमेशा लॉन्ग टर्म फंड्स वाला कैपिटल लेंगे। लॉन्ग टर्म फंड्स वाले कैपिटल में हमेशा दो चीजें आएंगी, शेयर होल्डर्स फंड एंड लॉन्ग टर्म डेट, शेयर होल्डर्स फंड एंड लॉन्ग टर्म डेट। अब ध्यान से, इस शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट को अगर मैं यहां पर आपको मार्क करूं, मतलब इन दोनों का टोटल, ये हो गया मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड। आराम से देख लीजिए। हाँ, शेयर होल्डर्स फंड निकालते समय फिक्टिशियस एसेट्स वाले लॉसेस को मत भूलिएगा। ये फिक्टिशियस एसेट वाले लॉसेस मेरे कैपिटल और रिजर्व से लेस हो जाएंगे और फिर मेरे को मिलेगा शेयर होल्डर्स फंड। तो शेयर होल्डर्स फंड निकाला, लॉन्ग टर्म डेट ऐड किया, मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड निकल गया। मान लो आपको शेयर होल्डर्स फंड या लॉन्ग टर्म डेट का अलग से इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, तो आप और एक तरीके से अपना कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हो। कैसे? टोटल एसेट्स मतलब फिक्स्ड एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी अगर आप कर दो तो भी आपको, देखो अगर मैं एसेट साइड को पूरा जोड़ दूं एक्सेप्ट फिक्टिशियस एसेट्स, माइनस करेंट लायबिलिटी करूं तो भी मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड निकल सकता है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड को मैंने दो फॉर्मूले वाइज लिखा है, आप दोनों प्लीज देखिएगा और इंस्टीट्यूट के मैट के सम सॉल्व करके जाइएगा, वैसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। आप देखोगे वहां पर इंस्टीट्यूट ने दोनों फॉर्मूला जगह जगह पर यूज किया, जहां जहां जैसी इंफॉर्मेशन मिली। तो कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब लॉन्ग टर्म नेचर का जो पैसा बिजनेस में लगाए, शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट। दूसरा फॉर्मूला, टोटल एसेट एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट माइनस करेंट लायबिलिटीज। अब टोटल एसेट को मैं ब्रेक करता हूं, फिक्स्ड एसेट्स प्लस करेंट एसेट। अगर मैं बोलूं फिक्स्ड एसेट प्लस करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी तो भी तो ठीक है, और करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी क्या होते हैं फ्रेंड्स? वर्किंग कैपिटल। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का तीसरा, उसी से निकला हुआ फॉर्मूला, फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। तो प्लीज ये तीनों फॉर्मूला आपको रटना होगा। मैं आपको दूसरे फॉर्मूले रटने नहीं बोलूंगा, मैं आपको सिर्फ ये फॉर्मूले रटने बोलूंगा जो आपको कंप्यूटेशन के वक्त काम आएंगे। दूसरा, शेयर होल्डर्स फंड मैंने ऊपर समझा भी दिया है, फिर बोल रहा हूं, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट। जब शेयर होल्डर फंड निकालने का बात आएगा तो शेयर कैपिटल में दोनों टाइप की शेयर कैपिटल आएगी, इक्विटी भी प्रेफरेंस भी। बट मानो कहीं आपको जरूरत है इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड निकालते समय सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल लेंगे प्लस रिजर्व माइनस फिक्टिशियस एसेट, क्योंकि रिजर्व का पैसा इक्विटी शेयर होल्डर्स का होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनको हम हर साल डिविडेंड ऑलरेडी दे चुके हैं। और तीसरा, टोटल एसेट मतलब सारे एसेट्स एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट, फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। डन। अब एक एक फॉर्मूला लेते हैं, देखो आपको समझ में आता है कि नहीं। सबसे पहले लिक्विडिटी रेशियो के साथ खेलेंगे। लिक्विडिटी रेशियो क्योंकि शॉर्ट टर्म रेशियो है तो ये करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के बीच निकाली जाती है। सबसे पहला लिक्विडिटी रेशियो में आपको क्या नाम दिख रहा है? वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट, सारे करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, सारे करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, यानी ये वाला पोर्शन माइनस ये वाला पोर्शन। ये आपको क्या समझाता है? ये आपको समझाता है कि बिजनेस की
जो करेंट लाइबिलिटीज है उनको पेमेंट करने के बाद क्या हमारे पास एडिक्वेट पैसे हैं जिससे हम बिजनेस के डे टू डे खर्चे चला पाएंगे, बिजनेस का वर्किंग कर पाएंगे, बिजनेस रेगुलरली ऑपरेशन में काम कर पाएगा, क्या उतने फंड्स हमारे पास है? उस फंड्स को हम लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। दूसरा रेशियो, करेंट रेशियो, आपका फेवरेट, करेंट एसेट्स बाई करेंट लाइबिलिटी। ये वर्किंग कैपिटल को ही दूसरे तरीके से दिखाने का तरीका है। वर्किंग कैपिटल में हम लोग दिखा रहे थे कितने रुपए डे टू डे खर्चे के लिए हमारे पास बाकी आफ्टर पेइंग ऑफ करेंट लाइबिलिटीज। इधर दिखा रहे हैं कि मेरा करेंट लाइबिलिटीज जो है बिजनेस में, मेरा करेंट लाइबिलिटीज जो है बिजनेस में, उनको पेमेंट करने के लिए जो करेंट एसेट्स के पैसे मेरे पास है वो करेंट लाइबिलिटी का कितना टाइम्स है। द करेंट लाइबिलिटी, करेंट एसेट्स आर हाउ मेनी टाइम्स ऑफ द करेंट लाइबिलिटीज। मान लीजिए मेरे करेंट एसेट है 100 रुपए, करेंट लाइबिलिटी है 20, तो मेरा करेंट रेशियो कितना हो गया? 5:1। 5:1 मतलब मेरा करेंट एसेट 5 times है ऑफ माई करेंट लाइबिलिटीज। तो करेंट एसेट डिवाइडेड बाई करेंट लाइबिलिटीज अगर आप कर दो तो आपको करेंट रेशियो मिल जाएगा। बोला जाता है, माना जाता है आइडियल रेशियो करेंट रेशियो का 2:1। अगर किसी कंपनी या बिजनेस का करेंट एसेट इट्स 2 times ऑफ इट्स करेंट लाइबिलिटी है तो वो आइडियल पोजिशन मानी जाती है कंपनी के लिए। दूसरे में क्विक रेशियो, क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट डिवाइडेड बाई करेंट लाइबिलिटी। यहां पे क्विक लाइबिलिटी हुआ करती थी करेंट लाइबिलिटीज माइनस बैंक ओडी, बट इंस्टीट्यूट ने अपनी सारी जगह फॉर्मूले में सिर्फ करेंट लाइबिलिटी यूज किया, तो हम लोग भी वही यूज कर लेंगे, नॉट अ प्रॉब्लम। क्विक एसेट का मतलब क्या? क्विक एसेट का मतलब जो करेंट एसेट्स में से कुछ ऐसे एसेट है जो रेडिली कन्वर्ट नहीं हो पाते। जैसे मान लो अगर आज बिजनेस बंद हो गया और हमको चेक करना है कि लाइबिलिटी चुका पाएंगे या नहीं, तो बिजनेस बंद होने से क्या जो स्टॉक वाला करेंट एसेट है वो बिक पाएगा? आंसर इज उसके बेचने पे सर्टेनिटी नहीं है। इसीलिए जो स्टॉक वाला एसेट है जो रेडिली रियलाइज नहीं हो पाता उसको हम लोग हटा देंगे करेंट एसेट से। कुछ ऐसे करंट एसेट होते हैं जो कैश में रियलाइजेबल नहीं होते, जैसे प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है? मान लें प्रीपेड सैलरी दी मैंने, मैंने उसको एडवांस में सैलरी दे दी। अब वो मेरे को इसका कैश नहीं लौटाएगा, अब वो मेरे को इसके लिए सर्विस देगा। क्योंकि वो मेरे को कैश नहीं दे रहा है, मेरा करंट लायबिलिटी इससे पे ऑफ नहीं हो पाएगा, तो इन एसेट्स को मैं करंट एसेट से हटा दूंगा वाइल फाइंडिंग माई क्विक एसेट्स। तो मेरा क्विक एसेट का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, या कोई भी ऐसा एसेट जिसका कैश में रियलाइजेशन नहीं होगा, जैसे एडवांस टैक्स, उन सारे एसेट्स को माइनस कर दूंगा डिवाइडेड बाई करेंट लायबिलिटी। तो अगर मैं ऊपर जाऊं, टोटल करेंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड या एडवांस टैक्स, तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा? क्विक एसेट। क्विक एसेट बाई करेंट लायबिलिटी विल गिव यू क्विक रेशियो। लास्ट रेशियो, कैश रेशियो। कैश रेशियो बोलता है कि मान लो करेंट एसेट्स में जो डेटर बिल्स रिसीवेबल है वो लोग भी पैसा देने से मुकर जाए, तो क्या चांसेस है कि बिजनेस अपनी करेंट लायबिलिटी को चुका पाएगा? अगर मैं आज के दिन अपनी करेंट लायबिलिटी को चुकाना चाहता हूं तो मेरे पास क्या क्या सोर्सेज है? मेरे पास है कैश और बैंक बैलेंस। इस कैश और बैंक बैलेंस से मैं अपनी लायबिलिटी चुका पाऊंगा या नहीं, उसका मेजर है कैश रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई करेंट लाइबिलिटीज। अगर आज बिजनेस बंद हो जाए और डेटर और बिल्स रिसीवेबल लोग पैसा देने से मना कर दे, तो मेरे पास जो एग्जिस्टिंग पैसे हैं मैं उनसे अपनी लाइबिलिटी को चुका पाऊंगा या नहीं? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में बच्चा लोग 3 चीज आता है, कैश प्लस बैंक बैलेंस प्लस वेरी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, जिसको हम लोग मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी बोलते हैं। मार्केटेबल सिक्योरिटीज, वेरी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आता है। तो इन तीनों को ऐड करके, मतलब जो आज के दिन मेरे पास कैश लिक्विड पड़ा है उससे मैं करेंट लायबिलिटी को पे ऑफ कर पाऊंगा या नहीं, उसको डिटरमाइन करने के लिए हम लोग निकालते हैं कैश रेशियो। अब आप देखो, थोड़ा सा लर्न करने का टेक्निक क्या होता है। कोई भी लिक्विडिटी रेशियो, चाहे करंट, चाहे क्विक, चाहे कैश रेशियो, तीनों का डिनोमिनेटर अगर आप देखोगे सेम है, करंट लायबिलिटी, और तीनों के ऊपर क्या है जिससे उसको पे ऑफ करना है। करंट रेशियो में करंट एसेट, क्विक रेशियो में क्विक एसेट, कैश रेशियो में कैश वाले एसेट। करंट रेशियो में करंट एसेट, क्विक रेशियो में क्विक एसेट, कैश रेशियो में कैश वाले एसेट। तो ये हो गया मेरा लिक्विडिटी रेशियोस। प्लीज आप ये पढ़ने के बाद, वीडियो देखने के बाद इंस्टीट्यूट के मैट के क्वेश्चन बना लीजिएगा। अदरवाइज देयर इज नो यूज ऑफ सीइंग दिस वीडियो विदाउट रिवाइजिंग द चैप्टर्स इन प्रैक्टिस। देन आगे चलते हैं, सॉल्वेंसी रेशियो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेशियोस, सुनते जाइएगा आपको सब समझ में आएगा। पहला रेशियो डेट बाई इक्विटी।
मैंने जो आपको वर्ड एक सिखाया शेयर होल्डर्स फंड, इस शेयर होल्डर्स फंड के कई नाम होते हैं। एक नाम होता है ओनर्स इक्विटी, एक नाम होता है प्रोपराइटर्स फंड। तो शेयर होल्डर का दूसरा नाम होता है इक्विटी या ओनर्स इक्विटी। डेट टू इक्विटी रेशियो बोलता है कि हमारे बिजनेस में जो लॉन्ग टर्म डेट है वो हमारे इक्विटी का यानी शेयर होल्डर्स फंड का कितना टाइम्स है, उसको मेजर करने के लिए हम लोग जो रेशियो निकालते हैं वो होता है डेट टू इक्विटी रेशियो, यानी डेट डिवाइडेड बाई इक्विटी। डेट में आप दो तरीके से सोच सकते हो, पहला डेट मतलब सारा आउटसाइड का लायबिलिटी यानी टोटल आउटसाइड लायबिलिटी, दूसरा सिर्फ लॉन्ग टर्म नेचर का डेट, क्योंकि आप सॉल्वेंसी यानी लॉन्ग टर्म रेशियोज निकाल रहे हो इसीलिए सिर्फ लॉन्ग टर्म डेट भी ले सकते हो। इंस्टीट्यूट ने भी दोनों फॉर्मूला दिया है, बट इंस्टीट्यूट ने मैक्सिमम क्या हर जगह यूज किया लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाई शेयर होल्डर्स फंड। नीचे तो शेयर होल्डर फंड ही आएगा बट ऊपर क्या आएगा वो डिपेंड करता है आप क्या अजम्पशन लेते हो। इंस्टीट्यूट ने हर जगह लॉन्ग टर्म डेट अजम्पशन लिया है, आप भी यही अजम्पशन लीजिएगा। तो डेट टू इक्विटी रेशियो का मतलब कंपनी का डेट उसकी इक्विटी यानी शेयर होल्डर फंड्स का कितना टाइम है, उसको मेजर करने के लिए रेशियो जो निकलती है वो होती है डेट इक्विटी रेशियो। दूसरा इक्विटी रेशियो, इक्विटी रेशियो का मतलब होता है, आप रेशियो निकालने का ट्राई करना, इक्विटी रेशियो का मतलब होता है टोटल जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसमें शेयर होल्डर्स का कितना रुपया लगा हुआ है, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड में शेयर होल्डर्स का कितना रुपया लगा हुआ है, दैट इज नोन एज इक्विटी रेशियो। तो इक्विटी रेशियो का मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, देखिएगा, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड में शेयर होल्डर का कितना पैसा लगा हुआ है, दैट इज माई इक्विटी रेशियो। तो शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाई टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड का मैंने फॉर्मूला ऊपर लिखवा दिया, शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट, शेयर होल्डर फंड का पैसा फॉर्मूला ऊपर लिखा दिया, कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। तो ऊपर जो फॉर्मूला लिखा हुआ है उससे ये सब निकलेगा, तो पहले वो लर्न करना फिर इसमें आना। डन, नेक्स्ट कैपिटल गियरिंग रेशियो, आई एम मार्किंग इट इंपॉर्टेंट एंड आई एम एक्सपेक्टिंग, ये इस टर्म में आ रहा है, आप चेक कर लेना, अगर थोड़ी सी मेरी गट फीलिंग काम करती है तो ये कैपिटल गियरिंग रेशियो एग्जाम में आ रहा है। कैपिटल गियरिंग रेशियो बोलता है कि आपका जो कैपिटल लगा हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड लगा हुआ है यानी शेयर होल्डर्स फंड और लॉन्ग टर्म डेट, इसमें से कुछ ऐसे कैपिटल होल्डर्स है या फंड प्रोवाइडर्स है जिनको फिक्स्ड रिटर्न चाहिए। दो जन ऐसे हैं जो जिद्दी है, जिनको फिक्स्ड रिटर्न चाहिए, एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और एक डेट होल्डर्स यानी लोन वाले, इनको फिक्स रिटर्न चाहिए। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको फिक्स रिटर्न नहीं चाहिए, जिनको अगर आप दोगे तो खुश है, नहीं दोगे तो भी चलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो कैपिटल गियरिंग रेशियो इसी चीज के बीच में रिलेशन है कि आपके टोटल कैपिटल के अंदर कितना फिक्स्ड पोर्शन वाला, फिक्स्ड चार्ज वाला कैपिटल है और कितना वेरिएबल चार्ज वाला कैपिटल है। फॉर्मूला देखिएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल फिक्स चार्ज वाला प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस लोन्स, ये दोनों फिक्स चार्ज वाला, डिवाइडेड बाई इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड यानी वेरिएबल चार्ज वाला। अब इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड कैसे निकालेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट। तो फिक्स चार्ज वाला कैपिटल डिवाइडेड बाई वेरियस चार्ज वाला, वेरिएबल चार्ज वाला कैपिटल इज कैपिटल गियरिंग रेशियो। नेक्स्ट, ये दोनों रेशियो बहुत अच्छे रेशियोज है और इन दोनों को साथ साथ में समझोगे तो बहुत ईजी रहेगा। प्रोप्राइटरी रेशियो या डेट टू एसेट टोटल एसेट रेशियो समझाता है जो हमारे पास टोटल एसेट्स है यानी फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, उनका कितना पोर्शन शेयर होल्डर फंड से, कितना पोर्शन शेयर होल्डर फंड से फंडेड है और कितना पोर्शन डेट से फंडेड है। टोटल एसेट्स का कितना पोर्शन शेयर होल्डर फंड के पैसों से बनाया हुआ है, कितना पोर्शन डेट से बना हुआ है, आप फॉर्मूला देख लो, टोटल एसेट्स का कितना पोर्शन, सॉरी टोटल एसेट्स का कितना पोर्शन शेयर होल्डर्स फंड यानी प्रोप्राइटर्स फंड से बना हुआ है और टोटल एसेट्स का कितना पोर्शन डेट से बना हुआ है, और डेट को इंस्टीट्यूट बार बार लॉन्ग टर्म डेट ले रहा है। अगर मैं यहां आउटसाइड लायबिलिटी ले लेता टोटल, तो मेरा दिस प्लस दिस विल बी इक्वल टू वन, क्योंकि टोटल एसेट कहां से आया, शेयर होल्डर और आउटसाइड से। तो अगर मैं यहां लॉन्ग टर्म डेट लेता हूं तो बात अलग है, यहां पे आप टोटल आउटसाइड लायबिलिटी भी यूज कर सकते हो, बट इंस्टीट्यूट अपने मैट में लॉन्ग टर्म डेट को यूज कर रखा है। तो जहां जहां वर्ड डेट आए प्लीज यूज लॉन्ग टर्म डेट, बिकॉज इंस्टीट्यूट इज टेकिंग द सेम अजम्पशंस। मेरे हिसाब से ये पांच रेशियोज आपको क्लियर है, एक बार फटाफट चेक कर लो स्क्रीन पे। आगे चले, अब जो बैलेंस रेशियोज है
मैं उनके आपको फॉर्मूले धड़ाधड़ बोलूंगा, आपको सुनने हैं और समझ के याद करने हैं, फटाफट आपको याद हो जाएंगे। बस आपको ये पीएल याद होना चाहिए। अगर आपको ये पीएल याद है तो इसके बाद के सारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के फॉर्मूले या दूसरे फॉर्मूले आपको लर्न हो जाएंगे। फिर सिर्फ टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला मेरे को अलग से समझाना है। मैं पीएल बोल रहा हूं, एक बार सुनिएगा। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज नॉर्मली गुड से रिलेटेड खर्चा, वेरिएबल कॉस्ट। आता है जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट से जब इनडायरेक्ट खर्चे यानी फिक्स नेचर के खर्चे माइनस कर दे एक्सेप्ट इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसको हम लोग बोलते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अगर मैं टोटल से फिक्स्ड एक्सपेंसेस के नेचर यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस कर दूं एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट और टैक्स, तो मेरा आता है ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसी को हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं। इससे अगर मैं लोन का इंटरेस्ट माइनस कर दूं तो आता है पीबीटी। पीबीटी से अगर टैक्स, पीबीटी से अगर टैक्स, पीबीटी के ऊपर टैक्स कैलकुलेट होता है परसेंटेज मार के, तो पीबीटी से अगर मैं टैक्स माइनस कर दूं उसके ऊपर तो आ जाएगा पैट। ये पैट है कंपनी का नेट प्रॉफिट जो कंपनी ने साल भर में कमाया है। नेट प्रॉफिट में कंपनी के अंदर दो हिस्सेदार होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर। पहले हम लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड बांटते हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड, और कुछ पैसा अगर मेरा लीगल रिक्वायरमेंट है तो रिजर्व्स में ट्रांसफर करते हैं। तो मैं पैट से सबसे पहले प्रेफरेंस डिविडेंड और रिजर्व्स में पैसे ट्रांसफर करता हूं। इनको ट्रांसफर करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वो किसका है? इक्विटी शेयर होल्डर। इसको हम लोग बोलते हैं पफेश, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। पफेस से जब मैं इक्विटी डिविडेंड दे देता हूं उसके बाद जो भी रिटेन अर्निंग बचती है मैं बैलेंस शीट में ले जाता हूं। तो पफेस से माइनस अगर मैं कर दूं इक्विटी डिविडेंड तो मेरा आ जाता है रिटेन अर्निंग्स। ये सबसे पहले आपको लर्न करना है। एक बार फटाफट ट्राई कीजिए इसको लर्न करने का, आंख बंद करके एक बार पूरा पीएल बोलेंगे। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जीपी, जीपी माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या फिक्स्ड एक्सपेंसेस एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट टैक्स, तो आ जाएगा मेरा ईबीआईटी। ईबीआईटी से माइनस इंटरेस्ट पीबीटी, पीबीटी से माइनस टैक्सेस पैट, पैट से माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड और ट्रांसफर टू रिजर्व्स पफेस, पफेस से इक्विटी डिविडेंड माइनस किया तो बचा रिटेन्ड अर्निंग जो मैं बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर दूंगा। एक बार क्लियर है? इनको निकालते कैसे हैं वो आपने आज तक जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया वैसे ही निकलता है। बस नाम याद रखो आपको समझ में आ जाएगा। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, बिफोर इंटरेस्ट टैक्स मतलब इंटरेस्ट और टैक्स माइनस नहीं हुआ है, उसके बाद इंटरेस्ट माइनस होगा तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी टैक्स माइनस नहीं हुआ है, सब माइनस हो चुका है, तो नाम से आपको याद आ जाएगा। अब एक एक करके रेशियो बोल रहा हूं, सुनते जाइएगा और देखते जाइएगा आप निकाल पाएंगे कि नहीं। सबसे पहला प्रॉफिट, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सेल्स इंटू 100, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सेल्स इंटू 100, इसको जीपी मार्जिन भी बोलते हैं। अगर आपसे मार्जिन की जगह बोले जीपी मार्कअप बताओ, मार्कअप मतलब प्रॉफिट रेशियो ऑन कॉस्ट, तो जीपी बाई कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जीपी बाई कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इंटू 100। अगर मार्जिन पूछे तो सेल्स, मार्कअप पूछे तो कॉस्ट। दूसरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, अगर जीपी रेशियो जीपी बाई सेल्स है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बोल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाई सेल्स इंटू 100, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाई सेल्स इंटू 100 यानी ईबीआईटी बाई सेल्स इंटू 100। तीसरा नेट प्रॉफिट रेशियो, इन दोनों रेशियो को सोच के नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बाई सेल्स इंटू 100, नेट प्रॉफिट बाई सेल्स इंटू 100। तीन रेशियो, जीपी रेशियो जीपी बाई सेल्स इंटू 100, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाई सेल्स इंटू 100, नेट प्रॉफिट रेशियो नेट प्रॉफिट बाई सेल्स इंटू 100। यहां तक हुआ। अब कुछ कॉस्ट रेशियो की बात करते हैं। पहला ऑपरेटिंग रेशियो या ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, जो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है बिजनेस के उससे डिवाइडेड बाई सेल्स इंटू 100। टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या क्या आएगा सर? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी ऑपरेशन, बिजनेस को चलाने का खर्चा, और फिक्स्ड एक्सपेंसेस एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट टैक्स, ये भी बिजनेस को चलाने का खर्चा। तो मैं नॉर्मल बोलूं, ईबीआईटी से पहले जितने खर्चे लगे हैं वेरिएबल और फिक्स नेचर के, वो सारे ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाई सेल्स इंटू 100 विल गिव यू ऑपरेटिंग रेशियो या ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाई सेल्स इंटू 100। उसके बाद आपसे पूछ सकता है फाइनेंशियल एक्सपेंसेस रेशियो, तो जो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस यानी इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट एक्सपेंस डिवाइडेड बाई सेल्स इंटू 100, इंटरेस्ट एक्सपेंस डिवाइडेड बाई सेल्स इंटू 100। तो कोई भी खर्चे का रेशियो पूछे खर्चा बाई सेल्स इंटू 100, कोई भी प्रॉफिट का रेशियो पूछे प्रॉफिट बाई सेल्स इंटू 100, प्रॉफिट का रेशियो प्रॉफिट बाई सेल्स इंटू 100, खर्चा का रेशियो खर्चा बाई सेल्स इंटू 100। ऑपरेटिंग रेशियो यानी ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंस बाई सेल्स इंटू 100। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जानते हैं क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। डन यहां तक।
अब ये प्रॉफिट रेशियोज की बात करने के बाद नेक्स्ट जो प्रॉफिट के लिए रिलेटेड रेशियो है वो दूसरा रेशियो होता है कवरेज रेशियो। कवरेज रेशियो मतलब एक पर्टिकुलर खर्चा पेमेंट करने अगर आपके लिए प्रॉफिट पूछा जाए कितना है आपके पास, एक पर्टिकुलर खर्चा पेमेंट करने के लिए आपके पास कितना प्रॉफिट अवेलेबल है उसको हम लोग बोलते हैं उस एक्सपेंस का कवरेज रेशियो। जैसे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट जो खर्चा होता है वो आप कहाँ से पेमेंट करते हो, ईबीआईटी से। चेक करो, चेक करो कहां से इंटरेस्ट पेमेंट होता है, ईबीआईटी से। तो इंटरेस्ट का खर्चा ईबीआईटी से पेमेंट करते हैं, तो आपको यह चेक करना है कि इस इंटरेस्ट को पेमेंट करने के लिए मेरे पास कितना ईबीआईटी है। फॉर्मूला बोलो, ईबीआईटी बाई इंटरेस्ट, ईबीआईटी बाई इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ईबीआईटी बाई इंटरेस्ट। नेक्स्ट प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो, एक बार बताओ प्रेफरेंस डिविडेंड कहां से पेमेंट होता है, नीचे आप देखो प्रेफरेंस डिविडेंड पेमेंट होता है पैट से, तो पैट बाई प्रेफरेंस डिविडेंड, पैट बाई प्रेफरेंस डिविडेंड। नेक्स्ट इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो, इक्विटी डिविडेंड बताओ कहां से पेमेंट होता है, पफेस से, तो पफेस बाई इक्विटी डिविडेंड, पफेस बाई इक्विटी डिविडेंड। तीन कवरेज रेशियो बोला, कवरेज रेशियो का फॉर्मूला याद करने के लिए, जिससे पेमेंट करते हैं वो ऊपर, जिसका कवरेज रेशियो निकालना है वो नीचे। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालना है इंटरेस्ट नीचे, और ये जिससे पेमेंट करते हैं यानी ईबीआईटी, तो ईबीआईटी बाई इंटरेस्ट। प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज, पैट बाई प्रेफरेंस डिविडेंड। इक्विटी डिविडेंड, परफेस बाई इक्विटी डिविडेंड, तो जिससे पेमेंट करते हैं वो ऊपर, जिसका निकालना है वो नीचे। काम खत्म, डन। एक कवरेज रेशियो और, दो कवरेज रेशियो और है, दोनों इंपॉर्टेंट है, मैं दोनों लिखता हूं। एक होता है फिक्स्ड चार्जेस कवरेज रेशियो, फिक्स्ड चार्जेस कवरेज रेशियो। पहले मैं फिक्स चार्जेस का मतलब बता दूं, फिक्स चार्जेस मतलब जो भी फिक्स एक्सपेंसेस हमारे बिजनेस में लगते हैं, जो फिक्स्ड है, जो लगने ही है, जिनको रोक नहीं सकते। यहां पे दो चीज आता है, एक फिक्स्ड एक्सपेंसेस प्लस इंटरेस्ट का खर्चा, क्योंकि इंटरेस्ट भी फिक्स्ड खर्चा है, आप कमाओ या ना कमाओ इंटरेस्ट देना है, और लोन लिया है तो इंटरेस्ट आपको बियर करना ही पड़ेगा। तो फिक्स चार्जेस का कवरेज रेशियो का फॉर्मूला आपको बताना है। एक बात बताओ, इंटरेस्ट कहां से पेमेंट होता है, ईबीआईटी। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला जानते हैं, ईबीआईटी बाय इंटरेस्ट। अब मेरे को इसके साथ साथ क्या कवर करना है, फिक्स चार्जेस, तो ऊपर भी प्लस फिक्स चार्जेस, नीचे भी प्लस फिक्स चार्जेस। जिससे कवर होगा वो ऊपर, जो कवर करना है वो नीचे। और इन दोनों का मैं नॉर्मल बोलूं ना, ये जीपी होता है, जीपी। आप चेक करो फिक्स चार्जेस को हम लोग कहां से कवर किया करते हैं, जीपी से। तो जीपी डिवाइडेड बाई फिक्स्ड एक्सपेंसेस प्लस इंटरेस्ट विल गिव यू फिक्स चार्ज कवरेज रेशियो। अगर जीपी नहीं दिया हुआ, ईबीआईटी दिया हुआ, तो यूज दिस फॉर्मूला, ईबीआईटी प्लस फिक्स चार्जेस डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट प्लस फिक्स चार्जेस इज फिक्स चार्ज कवरेज रेशियो। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेशियो, डेट सर्विस कवरेज रेशियो। दिल बोलता है, दिल, कि डेट सर्विस कवरेज रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एग्जाम में पूछेगा इस बार। ऊपर एक बोला था क्या, कैपिटल गियरिंग रेशियो, नीचे अब ये बोल रहा हूं मेरे को लगता है कवरेज रेशियो में एक पूछेगा आपसे। डेट सर्विस कवरेज रेशियो, सबसे पहले देखो क्या कवर करना है, डेट की सर्विस। डेट सर्विस मतलब एक लोन पे आप क्या क्या चीज पेमेंट करते हो साल में। हम लोग दो चीजें पेमेंट करते हैं साल में, बोलिए क्या क्या, एक इंटरेस्ट और दूसरा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का कुछ पार्ट पूरा नहीं रिपेमेंट करते हैं, तो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल जो हमें देना है उसको कवर करने के लिए हमारे पास प्रॉफिट है कि नहीं, ये चेक करना है। अब ये इंटरेस्ट और प्रिंसिपल कहां से देते हैं, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ये हम लोग देते हैं कैश प्रॉफिट से। मतलब जो प्रॉफिट कैश में कन्वर्ट हो पाया है उस प्रॉफिट से हम लोग देते हैं। कैश प्रॉफिट होता है नेट प्रॉफिट प्लस जो नॉन कैश एक्सपेंडिचर थे, प्लस क्योंकि इंटरेस्ट भी कवर करना है तो इंटरेस्ट। तो मैं अगर नॉर्मल फॉर्मूला लिखूं, नेट प्रॉफिट प्लस नॉन कैश एक्सपेंस जैसे डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट, ये आपका डेट सर्विस कवरेज रेशियो का फॉर्मूला होना चाहिए। बट इंस्टीट्यूट अपने फाउंडेशन लेवल की मैट में यूज कर रहा है सीधा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। वो बोलता है कि जो भी हम लोग को डेट का पेमेंट करना है आफ्टर नॉर्मल ऑपरेटिंग कॉस्ट्स, हमें नेक्स्ट डेट का पेमेंट करना होता है, इसीलिए ईबीआईटी डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल जो हमें रीपेमेंट करना है हर साल, वो मेरा डेट सर्विस कवरेज रेशियो। दोनों फॉर्मूले सही है, मेन फॉर्मूला तो यही है जी, नेट प्रॉफिट प्लस नॉन कैश एक्सपेंडिचर, ताकि मेरा कैश प्रॉफिट निकल जाए, प्लस इंटरेस्ट क्योंकि वो भी कवर करना है, डिवाइडेड by interest plus principal, but institute अपने formula में EBIT divided by interest plus principal यानी debt service हमेशा cover कर रखा है। तो interest coverage is EBIT by interest,
डेट सर्विस इज ईवीआईटी डिवाइडेड बाय डेट सर्विस, यानी इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। आपको पांचों कवरेज रेशियो कवर हो गई। अभी तक मैंने क्या कवर किया पीएल में? तीन प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जीपी, एनपी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कॉस्ट रेशियो, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो जो इंपॉर्टेंट है, और दूसरा कॉस्ट रेशियो, कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। तीसरा मैंने कवर किया पांच कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज, प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज, इक्विटी डिविडेंड कवरेज, फिक्स चार्जेस कवरेज और डेट सर्विस कवरेज। कवरेज रेशियो को याद रखने के लिए ऊपर वो आएगा जिससे कवर करना है, नीचे वो आएगा जिसको कवर करना है। जिससे कवर करना है डिवाइडेड बाई जिसको कवर करना है। लिख रहा हूं एक बार, कवरेज रेशियो इज इक्वल टू जिससे कवर करना है डिवाइडेड बाई जिसको कवर करना है। इंटरेस्ट को कवर करना है तो इंटरेस्ट नीचे किससे कवर करते हैं? ईबीआईटी से, तो ईबीआईटी बाई इंटरेस्ट। अगर ये लर्न है तो आपको सारे कवरेज रेशियो के फॉर्मूले याद रहेंगे। डन, ऐसे पढ़िए तब याद रहेगा, नहीं तो इम्पॉसिबल है। कुछ और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज डिस्कस करना चाहता हूं, जैसे ये अलग अलग टाइप के थोड़े से रेशियोज है, समझिएगा। ईपीएस, डीपीएस, डिविडेंड पे आउट, ये तीन डिस्कस करना है। ईपीएस मतलब कंपनी ने अपनी इक्विटी शेयर के लिए कितना अर्न किया है पर शेयर ड्यूरिंग द ईयर। अपने इक्विटी शेयर होल्डर के लिए कितना अर्न किया है, इक्विटी शेयर होल्डर के लिए पर शेयर कितना अर्न किया है, उसको बोलते हैं ईपीएस। आप मेरे को बताओ, खुद बताना, इक्विटी शेयर होल्डर के लिए कौन सा प्रॉफिट है? जीपी, ईबीआईटी, पीबीटी, पैट या पफेस? इक्विटी शेयर होल्डर के लिए कौन सा है? पफेस। तो पफेस कमाया है हमने पूरे साल भर में और हमको पर शेयर निकालना है, तो टोटल प्रॉफिट से अगर मैं डिवाइड कर दूं नंबर ऑफ शेयर्स तो मेरा ईपीएस निकल जाएगा। तो ईपीएस का फॉर्मूला होता है पफेस, यानी जो कमाया है इक्विटी के लिए, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। इससे निकल जाएगा पर शेयर हमने इक्विटी के लिए कितना कमाया है। दूसरा डीपीएस, डीपीएस मतलब कंपनी ने कमाने के बाद इक्विटी शेयर होल्डर लोग को पर शेयर कितना डिविडेंड दिया है, पर शेयर कितना डिविडेंड दिया है, दैट इज नोन एज डीपीएस। अब ये डीपीएस आप अलग अलग तरीके से निकाल सकते हो। पहला तरीका, डीपीएस इज इक्वल टू पेड अप वैल्यू पर शेयर। मैं इसको थोड़ा सा सही से लिख देता हूं, पेड अप वैल्यू पर शेयर, पेड अप वैल्यू पर इक्विटी शेयर, जो पेड अप कैपिटल होता है, इनटू जो भी डिविडेंड का रेट है, इनटू जो भी डिविडेंड का रेट है, दैट इज डिविडेंड पर शेयर। या फिर अगर ये नहीं दिया हुआ तो आप दूसरे तरीके से सोच सकते हो। कंपनी ने अगर आपको ये बता दिया कि हम कितना परसेंट अपना, कितना परसेंट ऑफ द टोटल अर्निंग्स, कितना परसेंट ऑफ द टोटल अर्निंग्स हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि डीपीएस होगा जितना अर्न किया है इनटू जितना पे आउट कर दिया, इनटू जितना पे आउट कर दिया, डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो ईपीएस इनटू डिविडेंड पे आउट रेशियो। मान लो कंपनी ने पर शेयर 5 अर्न किया, कंपनी बोला हम 80% पे आउट कर देते हैं, तो 5 में 80% पे आउट कर दिया तो डिविडेंड पर शेयर कितना हो गया? 4। तो पहला तरीका, पर शेयर अगर डायरेक्टली निकालना है, पेड अप शेयर कैपिटल इनटू डिविडेंड रेट। दूसरा तरीका ईपीएस इनटू पे आउट रेशियो। तीसरा तरीका, अगर आपको डिविडेंड का टोटल अमाउंट बता दिया तो जो टोटल इक्विटी डिविडेंड हमने पेमेंट किया है डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, टोटल इक्विटी डिविडेंड जो पेमेंट किया है डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो पर शेयर को कितना डिविडेंड दिया वो आ जाएगा। और लास्ट बचा डिविडेंड पे आउट, यानी अर्निंग का कितना पोर्शन डिविडेंड दे दिया, तो अर्निंग का कितना पोर्शन यानी डीपीएस बाई ईपीएस इंटू 100 मेरा निकल गया डिविडेंड पे आउट रेशियो। अर्निंग का कितना पोर्शन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अर्निंग का कितना पोर्शन, तो डीपीएस बाई ईपीएस इंटू 100। ये तीन रेशियोज और है पीएल से रिलेटेड। तो पफेस डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर क्या निकलेगा? ईपीएस। इक्विटी डिविडेंड डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर, इक्विटी शेयर क्या निकलेगा? डीपीएस। और डीपीएस बाई ईपीएस इंटू 100 क्या निकलेगा? डिविडेंड पे आउट रेशियो। और कितना पोर्शन बचाती है वो हो गया रिटेन्ड अर्निंग। अगर 80% पे आउट करती है तो 20% इज रिटेन्ड अर्निंग, तो ईपीएस का 20% मारना रिटेन्ड अर्निंग समझ में आ जाएगा। डन। और कुछ रेशियोज दिए हुए, मैं आपको नाम बोल देता हूं। प्राइस अर्निंग रेशियो, पीई रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो मतलब
कंपनी ने जो साल भर में अर्न किया है ईपीएस, उसका कितना टाइम्स उसका मार्केट प्राइस है, कितना टाइम्स उसका मार्केट प्राइस है। हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्राइस द टाइम्स ऑफ अर्निंग्स, प्राइस द टाइम्स ऑफ अर्निंग्स। तो इसका फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाई अर्निंग पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाई अर्निंग पर शेयर, ये होता है प्राइस अर्निंग रेशियो। एक टाइप के और आपको रेशियोज एग्जाम में आ सकते हैं और बुक में दिए हुए हैं, टर्नओवर रेशियोज। टर्नओवर रेशियोज की अगर मैं बात करूं तो टर्नओवर रेशियो का मतलब होता है जो भी चीज का आप टर्नओवर रेशियो निकाल रहे हो उससे कंपनी कितना सेल्स या टर्नओवर जनरेट कर रहा है। जैसे फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, तो फिक्स्ड एसेट से कितना टर्नओवर जनरेट किया, फॉर्मूला होगा सुनिएगा, सेल्स डिवाइडेड बाई टोटल फिक्स्ड एसेट, सेल्स डिवाइडेड बाई टोटल फिक्स्ड एसेट। अगर आपके पास ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों फिक्स्ड एसेट अवेलेबल है तो ऑलवेज यूज एवरेज। टर्नओवर रेशियोज में ऑलवेज 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 यूज एवरेज। तो अगर मेरे को कोई बोलता है फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो बताओ, तो मैं बोलूंगा टर्नओवर यानी सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज फिक्स्ड एसेट। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियोस बताओ, सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज वर्किंग कैपिटल या वर्किंग कैपिटल। मेरे को कोई पूछे करंट एसेट टर्नओवर रेशियो बताओ, तो सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज करंट एसेट। तो कोई भी टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है सेल्स डिवाइडेड बाय दैट एवरेज पर्टिकुलर थिंग। एवरेज तभी यूज कीजिएगा जब ओपनिंग क्लोजिंग दिया हो, ना दिया हो तो क्लोजिंग वाला यूज कर लीजिएगा, एवरेज यूज करने का जरूरत नहीं है। एक होता है डेटर टर्नओवर रेशियो। अब डेटर टर्नओवर रेशियो मतलब आपके जो डेटर्स है वो कितने टाइम्स टर्नओवर यानी घूमते हैं। डेटर क्या चीज पे डिपेंड करता है, टोटल सेल्स या क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स। तो डेटर टर्नओवर का रेशियो फॉर्मूला होता है क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर, क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर। इससे हमें पता चल जाता है कि मेरा डेटर में जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी बार घूम रहा है। मेरे को पूरे साल के डेटर के लिए अलग से पैसा नहीं रखना, मेरा टोटल डेटर कितना बार घूमता है, दैट इज टर्नओवर रेशियो। तो क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर। अगर मैं क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो पूछूं तो क्रेडिटर क्या चीज पर डिपेंड करता है, सेल्स की परचेज, परचेज। तो क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिटर। एक होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री डिपेंड करता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितना गुड्स बेचा, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। मैं तीनों अगर लिखूं आपके सामने, एक है डेटर टर्नओवर रेशियो, तो क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर। एवरेज तभी यूज करेंगे जब ओपनिंग क्लोजिंग है, नहीं तो क्लोजिंग यूज कर लीजिएगा। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, तो क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिटर। तीसरा होता है इन्वेंट्री या स्टॉक टर्नओवर रेशियो, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। आप टर्नओवर रेशियो में अगर सेल्स प्रोवाइडेड नहीं है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को भी हर जगह यूज कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। डन। एक होता है डेटर्स टर्नओवर, एक होता है डेटर्स वेलोसिटी। डेटर वेलोसिटी का मतलब डेटर का क्रेडिट पीरियड कितना है। डेटर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 12 या 365, अगर मंथ में निकालना है तो 12, डेज में निकालना है तो 365, डिवाइडेड बाय डेटर्स टर्नओवर रेशियो। क्रेडिटर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है क्रेडिटर 12 365 डिवाइडेड बाय क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, यानी मेरे डेटर का एवरेज क्रेडिट पीरियड या मेरे क्रेडिटर का एवरेज क्रेडिट पीरियड कितना है। तो 12 महीना डिवाइडेड बाय, अगर क्रेडिटर चार बार घूमता है एक साल में, अगर चार बार घूमता है तो हर बार 3 महीने लगते हैं उसे रोटेट करने में, तो वो मेरा हो गया वेलोसिटी या टर्नओवर। तो वेलोसिटी मैं बोलता हूँ मंथ्स या डेज में, और टर्नओवर मैं बोलता हूँ टाइम्स में। टर्नओवर का फॉर्मूला होता है क्रेडिट सेल्स बाय एवरेज डेटर या क्रेडिट परचेज बाय एवरेज डेटर, और वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 12 और 365 डिवाइडेड बाय द डेटर टर्नओवर रेशियो और क्रेडिटर टर्नओवर रेशियोस। प्लीज आप ये सारे रिवाइज करने के बाद आप जितने इंस्टीट्यूट के मैट में क्वेश्चन है वो बना लीजिएगा, सिर्फ रिमेंबर कीजिएगा ये बैलेंस शीट। आप चाहो तो पॉज करके स्नैपशॉट स्क्रीनशॉट ले लो, और ये पीएल, अगर आपको ये दो याद रह गए तो सारे रेशियोज मोटा मोटी आपके कवर हो जाएंगे। डन। थैंक यू सो मच।